Jan Prabhajan Kamanupeta Mapeta Kritam Dvai Payana Virahatara Ajubhava Putreti Tanmayataya Karavo Vinegum Stam Sarvabhuta Hridayam Muniman Tvasmi Narayanan Namaskritta Narancaiva Narutamam Devim Saraswati Nivyasam Tato Jayamudirai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadhi Gauru Bhakta Vrinda Sabegar Hath Dhagavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Pratham Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishnu Vishnu Pad Ashtotar Sata Sri 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 Mad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Ji Ke Charna Kamal Me अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रह्मविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गतकल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री राधा रानी कैसे ये रावल में जन्म ग्रहण किया है। लेकिन कुछ कुछ लोग प्रश्न करते हैं, जैसे आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में कौन कौन गए हो आप? देखना वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। वृंदावन में सबके सब श्री राधे राधे बोलते हैं। मतलब आप इतने राधे 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 बोलते हो, कभी जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कभी ये सारे शास्त्र का निचोड़ है, फिर ये भागवत में राधा जी का नाम खरी क्यों नहीं? कुछ लोगों का प्रश्न है। लेकिन हमारे महाप्रभु के भक्त कहते हैं, भैया भागवत में राधा रानी के नाम के सिवाय और इसमें कुछ है ही नहीं। भागवत में तो केवल ही राधे राधे और कुछ है ही नहीं, इसलिए ये ग्रंथ है। हरे कृष्ण वहां बात मत करो, हरे कृष्ण इतने लोग वहां खड़े मत रहो, एक व्यक्ति खड़े रहो, माता जी वहां बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ये लोग करेंगे, आप बैठ जाओ, बात मत करो, कोई चुपचाप करना सर। हरे कृष्ण। इसलिए ये ग्रंथ का नाम क्या आपको पता है? जो ग्रंथ की कथा सुन रहे हो बताओ ग्रंथ का नाम क्या है? क्या बोलो जोर से? इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब क्या? श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब प्रेम है। यदि ये भागवत नहीं, ये राधा जी की आप प्रेम है। एक उदाहरण दिया, एक सेठ, कोई सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाए, लेकिन पैसा कहाँ रखता है? बोले सेठानी को पास। और सेठानी लाख लाख रुपया की गड्डी गड्डी बना करके अलमीरा में सजा सजा के रखती, और जितने हीरे जवाहरात को सेठानी सब अलमीरा में सजा सजा कर रखती। एक दिन सेठानी पागली नहीं हो गई, और जितने पैसा था ना, लाख लाख रुपया गड्डी की गड्डी, और उसको लेकर के छत ऊपर में गई और वो गड्डी की गड्डी बिखरने लग गई और उसको लूटने लग गई। और जितने गरीबी लोग थे ना, वो उठाया गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरात और पैसा, और सबके सब धनी हो गए। कहते उसी तरह ये सेठ कौन है जो खूब पैसा कमाता है? बोले ये सावरिया सेठ कृष्ण है। लेकिन कमाता तो पैसा, लेकिन कहाँ पर जमा करता है? कहाँ पर? सेठानी को पास में। वो सेठानी कौन है? राधा रानी। सब आप जानते हो ना, इसलिए कि वो सेठानी को पास में सब जमा करता है। एक दिन सेठानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई,
और जो लाख लाख रुपया की गड्डी के गड्डी थी उसको लेकर के छत के ऊपर में गई और वो उसको बिगाड़ने लग गई। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो भिखारी हैं, कृष्ण प्रेम के जो भिखारी उठाया वो धन दौलत और हम सबके सब मालामाल सबके सब। उसी तरह ये भागवत मतलब श्रीमद, मतलब जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है और बन करके जो कृष्ण प्रेम को बिखार रही है, ये भागवत कथा नहीं सुन रहे हो, ये राधा रानी कृष्ण प्रेम को बिला रही और हम सबके सब कृष्ण प्रेम के भिखारी वास कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, कृष्ण प्रेम को लूट रहे हो। और एक दिन देखना माला माला हो जाए, मतलब क्या, एक दिन असली माल कौन है, भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, भगवान की प्रेम ही असली ये माल है। आप कथा सुनोगे ना सात दिन के बाद में, फिर क्या बन जाओगे, सब माला माल बन जाओगे, मतलब क्या, फिर रोज भगवान की माला जप करोगे, हैं, भगवान की रोज ये माला जप करोगे ना, बस असली माल क्या है, भगवान के नाम धन है, ठीक है ना। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, जिन जिन नैया मोती लोटे वही सब माला माल हुए, जिन जिन नैया मोती लोटे वो तो माला माल हुए, माया के जो बन पुजारी आखियों का अंगाल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों मैं बिखरा हूँ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, कोई राम गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। इसलिए ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। हैं, प्रश्न है फिर ये भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं दिया, सब सुन रहे कि नहीं सबके सब, कल सबको मैं पूछूंगा क्या सुन रहे, ठीक है, एक मन से सुनना। अभी प्रश्न है भागवत में राधा जी का नाम को स्पष्ट रूप में क्यों नहीं दी गई, कारण क्या, जब राधा जी के नाम की इतने महिमा राधा जी का नाम है, इतने महिमा राधा जी का नाम, हाँ ध्यान देकर सुनना। बोले एक समय माता पार्वती शंकर जी से पूछे, बोले प्रभु जगत में किसकी नाम लेनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन पूछ रहे हैं, किसने पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, शंकर जी को। बोले प्रभु किसका नाम लेनी चाहिए, शंकर जी कहते पार्वती, बोले आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना पर, बोले हे पार्वती जितने आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग सुने होंगे एक विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु की 1000 नाम, मैया पार्वती रोज 1000 प्रभु का नाम लेती, अभी 1000 नाम लेने के लिए तो समय लगे हैं। जब कुछ दिन उन्होंने जब की, एक दिन शंकर जी पार्वती से भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन ले आओ, बोले प्रभु पहले भोजन उसके बाद में भजन, पहले क्या है पहले भजन, भोजन नहीं, आप बताओ नाम करने से पहले भोजन करने से पहले माला जप करती कि नहीं करती हो,
कौन कौन माला जप करते हो खाने से पहले? सही सही बताओ, झूठ मत बताओ। इतना ही व्यक्ति केवल माला जप करते, और इतनी कथा हमने सुना सुना कर थक गए, अभी तक माला ही नहीं जप करती। इसलिए पहले माला जप करना, नहा धो करके पहले हरि नाम करना, उसके बाद में क्या करना, फिर भोजन करनी चाहिए, ठीक है ना। पार्वती बोले प्रभु पहले भजन फिर बाद में भोजन। आप तो बताया विष्णु का सहस्त्र नाम जप करनी चाहिए, समय तो लगेगा ना एक हजार नाम लेने के लिए। पार्वती बोले इधर आओ पार्वती, तेरे को और एक रास्ता बताता हूँ जिसमें परिश्रम कम होगा और ज्यादा फल मिलेगा। बोले प्रभु बताओ। कहते विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, बोले राम रमति रमति रम रमी मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानन। मैया पार्वती बहुत सुंदरी, बोले हे सुंदरी पार्वती, ये विष्णु सहस्र, ध्यान देकर सबके सुनो, सुनो अच्छे तरह से सुनो, ऐसे नहीं इधर सुनते इधर निकाल दोगे। देखो दुनिया क्या चाहता है, परिश्रम कम हो और माल ज्यादा मिले। क्या चाहते हैं? परिश्रम कम और माल ज्यादा। आज आपको भी बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा, सब भक्त सब लेकर माल माल आ रहे, सब बढ़िया बढ़िया चकाचक प्रसाद ला रहे। इसलिए परिश्रम कम हो और माल ज्यादा, सारा दुनिया यही चाहते। इसलिए देखो इसी में यही चीज को समझा रही, अच्छे तरह से समझो, ठीक है ना। इसलिए शंकर जी बोले देखो पार्वती, राम रामे तिरमे तिरम रम मन रमे, मतलब प्रभु राम का नाम बड़ा प्यारा नाम है, और राम नाम में मेरा मन रम जाए। हे पार्वती, अगर ये विष्णु सहस्र नाम का एक बार कोई करे, मतलब एक हजार विष्णु का नाम जो करे उसमें जो फल मिलेगा, अगर एक बार श्री राम का नाम बोल गया तो कोई फल मिलेगा, मतलब एक राम नाम समान एक हजार विष्णु नाम। पार्वती बोले प्रभु फिर तो प्रभु राम का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती, राम नाम में बड़ा आनंद है। तब से मैया पार्वती बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीतारा जय रघुपति राम पति पावन प्रभु राम का नाम जब करते थे। जब पार्वती कुछ दिन राम का नाम ली, इतने में शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ, तेरे को और एक सरल नाम बताता हूँ जो परिश्रम कम होगा और फल तुम्हें ज्यादा मिलेगा। मैया पार्वती बोली प्रभु बताओ वो कौन सा नाम? बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वित्वा तु कृष्णस्य नामैकतत् प्रजच्छति। बोले हे पार्वती, ये विष्णु सहस्र नाम को कोई तीन बार बोले, बोले तीन हजार विष्णु का नाम कोई ले ले, एक बार अगर कृष्ण का नाम ले ले, एक कृष्ण नाम समान तीन हजार विष्णु का नाम, और तीन बार राम का नाम लेने का फल मिलता है। बोले प्रभु कृष्ण नाम में इतने शक्ति। बोले हाँ, जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म है, जो सोलह कला में जो परिपूर्ण है ये भगवान कृष्ण है। हाँ, इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान कृष्ण को बताए। बोले प्रभु फिर तो मैं कृष्ण का नाम लू? बोले हाँ पार्वती, कृष्ण का नाम लिया करो। जब कुछ दिन कृष्ण का नाम लेना, फिर पार्वती को शंकर जी फिर बुलाए। बोले पार्वती आज तेरे को एक रहस्य नाम बताऊंगा, जो बात मैंने किसी को नहीं बताया, तो मेरी अर्धांगिनी पत्नी है ना,
हैं। इसलिए तेरे को आज एक रहस्य बात बताऊंगा, बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले प्रभु कुछ दिन पहले तो आप ही बता रहे थे कृष्ण से कोई बड़े ही नहीं, वो तो सोलह कला में परिपूर्ण है, फिर कैसे बता रहे हो कृष्ण नाम से बड़ा नाम। बोले मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये कृष्ण ये चंद्रमा को ये बात बताए थे। देखो ये श्लोक है, कृष्ण खुद कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदुतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा किंतम। बोले हे चंद्रमा, अगर मेरे नाम कोई सौ बार ले ले, कृष्ण का नाम कितना बार ले, सौ बार कृष्ण का नाम ले ले, अगर एक बार अगर कोई राधा जी का नाम ले लेता है, एक राधा रानी का नाम समान मेरे कृष्ण का सौ नाम बराबर है। इसलिए राधा जी का नाम में सर्वश्रेष्ठ शक्ति श्री राधा जी का नाम है। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले प्रभु फिर तो मैं क्या करूं, फिर राधा जी का नाम लो। अभी पार्वती अभी क्या करती है, राधा रानी का नाम लेती है। इतने में शंकर जी बोले देखो पार्वती, अगर तुम राधा रानी का नाम लोगे ना, वहां पर राधा रानी नहीं आएगी। बोले फिर वहां पर कौन आएगा, बोले राधे राधे रट्टो चले आएंगे। राधा जी का नाम से राधा रानी नहीं आती, कौन आती है, बिहारी जी आते। बोले फिर कहते अगर तुम बिहारी जी बोलोगे ना, फिर वहां पर राधा रानी आएगी। मतलब राधा नाम से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कृष्ण नाम से श्री राधा रानी प्रसन्न होते हैं। पार्वती बोली प्रभु तुम्हें तो बड़े कंफ्यूजन पड़ गया, अभी बताओ राधे राधे बोलो ना, कृष्ण कृष्ण बोलो, अभी क्या नाम किसका नाम लो। शंकर जी बोले पार्वती ये दोनों का नाम लिया करो, राधा जी की और कृष्ण का, जुगल का नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे लेनी चाहिए, बोले हरे कृष्ण सब हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और इधर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पार्वती बोली प्रभु उसमें राधा रानी का नाम क्या, उसमें हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम ये तो खिचड़ी जैसे, उसमें राधा जी का नाम है कहाँ, इसमें तो राधा जी का नाम है ही नहीं। तब शंकर जी समझाए बोले पार्वती ये जो हरे अक्षर है ये राधा रानी का नाम है। हम लोग तो संस्कृत तो कोई पढ़े, कोई संस्कृत तो पढ़े हो, कौन कौन संस्कृत तो पढ़े हो, हाथ उठाओ कौन कौन संस्कृत तो पढ़े हो। देखो एक गोपी दो गोपी उठा रहे, हाँ दो चार गोपियां संस्कृत पढ़े। देखो आप अच्छे तरह से समझो ये चीज को, ये राधा जी का नाम कहाँ पर है, ये जो हरे शब्द है यदि श्री राधा जी का नाम है, हाँ ये हरे। बोले कैसे, आप लोग जो संस्कृत पढ़े हाथ उठा रहे थे, जैसे लता शब्द स्कूल में याद किए होंगे, नहीं तो रमा शब्द याद किए होंगे, जैसे लता लते लता लताम लते लता है, यदि वो संबंधन में हो जाता है हे लते, उसी तरह इसका मूल शब्द हरा। हरा मतलब अपना प्रेम भक्ति से कृष्ण का मन को जो हरण करती है। बोले कौन हरण करती है, श्रीमती राधा रानी। इसलिए हरा शब्द से संबोधन हो जाता है हे हरे, मतलब हे राधिके। कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, राधे कृष्ण है, ये जुगल नाम है। फिर उसमें हरे राम हरे तो हो गया राधा रानी है, फिर राधा जी को साथ में तो श्याम रहते, फिर ये राम कहाँ से आ गए, फिर ये राम कहाँ से आ गए। कहते इसमें जो राम शब्द है ये कृष्ण का ही नाम है, और राधा जी का साथ में रमण करते हैं, कहते हैं ना राधा रमण हरि गोविंद जय जय, और राधा जी को साथ में रमण करते हैं इसलिए उनका नाम राम है। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र
इसका नाम क्या है? महामंत्र। महामंत्र मतलब क्या है? महा मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, और मंत्र मतलब होता है जितने मंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र, ये श्री हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए ये भागवत में श्री राधा जी का नाम सर्वत्र, श्री राधा जी का नाम, और राधा जी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? और जोर से, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। और जो राधा रानी है ना, बड़ी दयालु। एक सुंदर स्टोरी सुनो, ध्यान देकर, कि राधा रानी कितने दयालु। ब्रज में, वृंदावन में कुछ संत लोग है, अब देखना वो कहीं भोजन नहीं बनाते, वो खाना पीना नहीं बनाते। बोले क्यों? इसमें समय को बिताए। वो घर घर में, ब्रजवासियों के घर में जाते हैं और माधुपुरी ले आती है। माधुपुरी जानते हो, जैसे रोटी सब्जी ले आते हैं बस। बोले क्यों? समय को अपना बर्बाद करे। ये मानव शरीर 84 लाख जन्म में मिला, जितने समय हो सके ठाकुर को भजन में लगा। इसलिए माधुपुरी ले आते हैं और बैठ करके भोजन कर लेते हैं, और दिन भर ये माला लेकर के, दिन भर, कोई कोई 1-1 लाख, कोई कोई 2-2 लाख, कोई कोई 3-3 लाख। पहले मैंने बताया था ना, महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में हम खाना खाएंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय के संतों को देखना, ध्यान देकर देखो, कभी भी ये माला नहीं छोड़ते। ये माला नहीं, ये माल है, असली माल है। ये कभी माला नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जो एक श्वास हमारी गई है, अगर करोड़ रुपया दोगे ना, एक श्वास तो वापस नहीं ला सकते। जैसे समझो कोई 1 अरब खरबपति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया इसका अंतिम श्वास है। अगर कोई बोले तेरे को मैं 4 कोहिनूर हीरा देगी, इसका एक श्वास को वापस ले आओ, ला सकते हैं? बोले ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये करोड़ रुपया देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ले सकते। लेकिन ये श्वास की सार्थकता कब है बताओ? कब सार्थकता? जब श्वास श्वास में भगवान की नाम लेंगे, ठीक है ना? समझ रहे कि नहीं? श्वास श्वास में भगवान की नाम लेनी चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय का संत माला हर समय पास में रखते, भले ही पैसा भूल जाए, भले ही पैसा भूल जाए, लेकिन ये माला नहीं भूलते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अपना पास में हर समय ये माला को हर समय रखा करो। रास्ता में जा रहे हो, प्रभु का नाम जप करते करते जाओ। क्यों समय को बर्बाद कर दो? इधर उधर के दुनिया की क्यों बात करोगे? दुनिया की इधर उधर बात नहीं कर, क्या करो? भगवान की नाम को जप करनी चाहिए। ये संतों लोग दिन रात भजन करते थे, हरे कृष्णा, बीच में बात मत करो, हरे कृष्णा, अलग करके बैठ जाओ। इसलिए देखो, संत लोग कहते हैं अगर कथा सुनना है ना, आप जिसको जानते हो उसको बात में मत बैठा, आप जिसको जानते हो ना उससे थोड़ी सी अलग बैठो, फिर तो कथा सुनोगे, नहीं तो कथा नहीं सुनोगे, फिर दुनिया की बात करते रहोगे, ठीक है? इसलिए वो संत लोग क्या करते थे, माधुगिरी लाते थे और कोई कोई 1-1 लाख, 2-2 लाख, इतने इतने हरिनाम करते थे। देखो हमारे संप्रदाय में कुछ माता है, देखो वहां पर एक माता जी बैठी हुई माला जप कर रही है, उसको नीचे और एक दो माता बैठी हुई ये माला जप कर रही है। ये कभी हमारे संप्रदाय में देखो, यहाँ पर 2 प्रभु बैठे हुए, देखो देखो माला लेकर बैठे, माला जप कर रहे। इसलिए ये कभी माला नहीं छोड़ते, ये महाप्रभु का सिक्का है। पैसा भले ही भूल जाओ, लेकिन माला मत भुला करो, क्योंकि यही असली माल है। ये माल में जो माला माल हो गए ना, वो सब बड़े बड़े साहूकार बन गए। मतलब कौन? मतलब तुलसी मीरा और नरसिंहा। देखो सारा दुनिया में इनके नाम, दुनिया में इनके नाम हो रही। इसलिए ये हमारी क्या करना, भागवत कथा से एक सी चीज कम से कम लेकर जाओ, हर समय माला रखे, हर समय पास में क्या रखे? माला रखे। कहीं जा रहे हो प्रभु का नाम जप करते करते जाओ ना, क्यों समय को बेकार बर्बाद क्यों समय को करेंगे? ठीक है, इतना अगर कथा से ले गए ना, समझो हमारी कथा सुनना सार्थक कथा हो गया। और मैं जो कथा सुना रहा हूँ मैं भी समझूंगा, भैया कम से कम है कुछ लोगों का मन तो प्रभु का भजन में कर दिया है। तब भगवान सबसे सबसे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी कथा की यही एक सार है, अगर आपकी मन को प्रभु की भजन में लगा दिया, ठाकुर की भक्ति में, फिर हमें पूरा हमें आनंद मिलता है। भैया
कम से कम एक दो व्यक्ति प्रभु का भजन में तो लग गए, ठाकुर जी की भक्ति में लग गए। हम समझते हैं हमारी कथा करना सार्थकता हो गई हमारी, ठीक है। कितने लोगों पास में माला रखोगे, कितने लोग रखोगे माला, सब रखोगे ना, कोई हाथ नहीं उठा रहे डर के मारे कोई हमें कोई साध नहीं बना दे। इसलिए वो संत लोग क्या करते थे, अभी दिन रात माला जप करते हैं, भजन बैठ बैठ प्रभु का भक्ति करते हैं। हाँ देखो एक दिन क्या हुआ, ये संत लोग जिस समय ये माधुकरी करने के लिए जाएंगे ना, घर से भिक्षा करने जाएंगे, वो बड़ी तेजी आंधी तूफान और बारिश हो गया। अभी वो संत लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, घर में बैठ करके माला जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, कृष्णा और राधा रानी दोनों के पास में खबर पहुंचाया, देखो इसी स्थान पर हम दोनों मिलेंगे। अभी कृष्णा पहले आकर के अपना हाथों से राधा रानी के लिए सुंदर कुंज उन्होंने बनवाए और कृष्णा बैठे हुए हैं। आज श्री किशोर जी ये कुंज में आएगी, लेकिन जिस समय किशोर जी कुंज में आएगी और उसी समय में आंधी तूफान आ गई और संत बैठे बैठे करके भजन कर रहे हैं। गीता में कृष्ण एक श्लोक बताया, ये श्लोक में कहते हैं बोले अनन्नश्चिन्तयन्त माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षयं वहाम्यहम्। ये कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा करते हैं। देखो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अनन्नश्चिन्तयन्त माम, देखो इस श्लोक को ध्यान दो, जो मेरे एकांत रूप में मेरे भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मेरे भजन में दिन रात डूबे हुए रहते हैं, उनके लिए मैं दो काम करता हूँ। क्या दो काम करता हूँ, पहला काम है उसको घर में जो चीज नहीं रहेगा ना, कृष्ण कहते मैं सर पर रख करके उसको घर में मैं पहुंचाता हूँ। दूसरा काम क्या करते हैं, कहते उसका घर में जो चीज है मैं एक दरवान बनकर उसको रखवाली करता हूँ। ये भगवान इतने बड़ी प्रतिज्ञा ली है, जो उनको एकांत रूप में भक्ति करनी चाहिए, हैं पूरा उनकी भक्ति में रम जानी चाहिए, हैं भगवान कहते हैं उनके लिए मैं दो काम करता हूं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, आंधी तूफान आ गई, अभी वो भगवान की भजन कर रहे हैं, अभी राधा रानी को तो चिंता लग गई। कृष्ण तो गीता में ये प्रतिज्ञा की और इनकी संत लोग बैठ करके भक्ति कर रहे हैं, आज तक तो भिक्षा के लिए जा नहीं पाए, कितना भूखे ना भजन गोपाला पेट में चूहे कूद रहे हैं, अभी इनको कौन खाना खिलाएगी। इतने में श्री राधा रानी स्वयं अपना हाथों से रोटी बनाती है, अपना हाथ से चावल बनाती है, अपना हाथों से दाल सब्जी बनाए, हलवा बनाए, बड़ी सुंदर प्योर घी की मूंग डाल के हलवा बना करके राधा रानी कृष्ण को भोग लगाई तुलसी दल से। और जा करके जितने संत लोग थे ना, जितने संत लोग वहां पर थे उनकी घर घर में राधा रानी गई और सबको रोटी सब्जी सबको दे करके राधा रानी की लेट हो गई। इधर तो कृष्ण व्याकुल हो रहे हैं, बोले राधा रानी तो बोली थी इसी समय पर आने के लिए, क्यों नहीं आ रही है, कभी कुंज के बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर जाते हैं। अभी राधा रानी तो बड़ी लेट में आई तो इतने में कृष्ण तो मान कर लिया और मुंह घुमा कर बैठी है। इतने में राधा रानी कहती है सखियों से, बोले भैया ये महापुरुष को क्या हो गया, आज ये महापुरुष क्यों मान कर रहे हैं। सखियों ने क्या, क्यों तुमने कितने बजे आने के लिए बताई थी कि बच्चे से सामान ले लो, तुमने कितने बजे तुमने बताई थी आने के लिए, बताओ अभी बताओ, घड़ी देखो कितना समय हो रहा है, अपने टाइम में आई, इतने लेट में आ रहे हो। कृष्ण इतने व्याकुल है, तुम्हारा लिए अपना हाथों से कुंज सजाए, मान नहीं करेंगे। इतने में श्री राधा रानी कहते हे श्याम सुंदर, आपको पता है आज मैंने इतने लेट में क्यों आए, आपको पता है, बोले क्या पता है, बोले आज ऐसे ऐसे हो गया, तुमने तो गीता में प्रतिज्ञा की ना, जो अनन्य रूप में मेरी भजन करते हैं उनके लिए मैं सब काम करता हूँ, स्वयं बना करके हाथ में खिलाता हूँ, तुमने तो बताया कि नहीं, बोले हाँ, बोले आज जिस समय संत लोग माधुगिरी के लिए जाएंगे भिक्षा के लिए, आंधी तूफान आ गई, संत लोग बैठे बैठ करके भजन कर रहे थे, अभी उनको खाने के लिए कुछ है ही नहीं,
मैं स्वयं अपने हाथों से रोटी सब्जी दाल बनाई, बना करके उनको मैं घर घर में जा करके खिला करके आई हूँ। इतना जब राधा रानी बोली, कृष्ण का मन तो एकदम पानी पानी हो गया। कृष्ण राधा रानी के चरण में गिर गई, बोले हे राधे, प्रतिज्ञा तो मैंने की, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो तुम ही पालन करती। बोले क्यों? बोले तुम ही माँ। राधा रानी कौन है? ये माँ। बताओ घर का रोटी खाना कौन बनाती? बच्चों को कौन कौन खाना खिलाती? माँ खिलाती है ना। इसलिए तुम जगत की माँ तो तुम हो, तुमको तो खिलाना पड़ेगा। कृष्ण एकदम द्रवीभूत हो गए। इसलिए राधा रानी इतने दयालु, अगर कोई उनकी भक्ति करे, अगर कोई खाना पीना नहीं होना, राधा रानी को बना करके खिलाना पड़ती। भगवान इतने बड़े आश्वासना देती हैं जो उनको भगवान की जो भक्ति कहते हैं। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, आधा बोल रहे और आधा चुपचाप बैठे हुए। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बोले फिर राधा जी का नाम ये भागवत में स्पष्ट रूप में क्यों नहीं दिया है? उसका कारण दो तीन कारण बताए। पहला कारण बताए, श्री राधा रानी सुखदेव गोस्वामी को आदेश दिए, मेरे नाम को वही स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी लिए नहीं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है, श्री सुखदेव को 7 दिन के अंदर में परीक्षित को कथा सुनानी थी, क्योंकि ऋषि ने अभिशाप दिया 7 दिन में तुम्हें तक्षक दंशन करेगा। लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा जी का नाम लेते थे तो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। बोले अगर मैं 6 महीना बेहोश हो गया फिर ये कथा कैसे सुनाऊं? इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम नहीं लिया। तीसरा कारण बताए, आप लोग हाथ में मेहंदी लगाते हो, कौन कौन मेहंदी लगाते हो? आप बताओ मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? लाल है, पागल है। आप बताओ मेहंदी पत्ते का रंग कैसे है? हरा है। लेकिन वो ऊपर तो हरा हरा दिखती है लेकिन अंदर में क्या है? लाल। इसलिए देखो मेहंदी पत्ता तो हरा है, उसको फिर रगड़ो, उसको पीसो, तब भी हरा हरा दिखती है। लेकिन जब आप हाथों में लगा लो तो कौन सा रंग हो जाता है? फिर महीना तक वो लाल रंग नहीं छूटती। हाँ, महीना तक नहीं छूटती है। क्योंकि उसी तरह भागवत में देखो, ऊपर में सुख कृष्ण 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 ऊपर से दिखती है, लेकिन अंदर से देखो ना एकदम लाल 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 अंदर में। कहते ऊपर में तो कृष्ण कृष्ण लेकिन अंदर में श्री राधे राधे हैं। उसका चौथा कारण बताए, जैसे कृष्ण की जो भक्ति है, उदाहरण दिया एक बहता हुआ नदी, जैसे नदी का पानी एक जानवर इंसान चिड़िया सब पी सकते हैं, लेकिन अगर कुएं में पानी हो ना, कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। कौन पी सकता है? जिसको पास में रस्सी और कोई पात्र होना, वही व्यक्ति कुएं में पात्र डाल करके वही व्यक्ति पानी पी सकते हैं। बोले मतलब है कृष्ण भक्ति तो सब कर सकते हैं, सब कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। जैसे नदी का पानी सब पी सकते हैं लेकिन कुएं का पानी सब नहीं पी सकते। रस्सी कोई पात्र होनी चाहिए। मतलब है कि जब तक हम किसी शुद्ध भक्ति धारा में नहीं हुए, जिस संप्रदाय में श्री राधा जी की अनुगत्य में जो भक्ति करने वाले, अगर जब तक ऐसे संप्रदाय में जुड़े नहीं होना, भैया ये राधा भक्ति सबको, राधा रानी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें राधा जी से संप्रदाय में विशेष करके राधा जी की उपासना करते हैं। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनने की बात है। बोले जो कृष्ण कहना, 3 तरह का सखियां है। कितने तरह का सखियां? 3 तरह का है। एक विपक्ष, एक तटस्थ और एक है स्वपक्ष। अभी ध्यान देकर सुना, क्यों राधा जी की अनुमति करनी चाहिए? कहते तटस्थ मतलब है ऐसे कुछ सखियां जो कृष्ण को भी प्रेम करते हैं और सिर्फ राधा रानी को भी प्रेम करती है, दोनों को प्रेम करती है सखियां। कहते ये कौन है? कहते ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, चित्रा, सुचित्रा, ये दोनों को सेवा करते हैं। लेकिन ये करने पर भी अगर दोनों में लड़ाई होना, कृष्ण राधा रानी में, लेकिन ये सखियां राधा जी के पक्ष ले लेती।
लेकिन भक्ति करती है दोनों को, लेकिन झुके भी राधा करण तरफ में। दूसरी तरह के है कहते विपक्ष, बोले विपक्ष मतलब है जो केवल कृष्ण को भक्ति करते, राधा रानी की भक्ति नहीं करते। किसको भक्ति करते हैं? केवल कृष्ण भक्ति करते हैं और राधा रानी की भक्ति नहीं करते हैं। इनको बताया ये विपक्ष है, ये एंटी पार्टी है, विपक्ष पार्टी है। लेकिन कुछ ऐसे सखियां हैं जो केवल राधा जी को ही भक्ति करते हैं, राधा जी की सुख में सुखी और राधा जी का दुख में दुखी है। अगर कभी दोनों को ये हुआ ना, वो सबके सब श्री राधा रानी के पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं। इनकी पक्ष में पक्ष है, कृष्ण की पक्ष में नहीं जाते हैं। हाँ देखो अभी प्रश्न है, फिर क्या ये जो कृष्ण, अच्छे तरह समझो ये चीज को, क्या राधा, क्यों राधा जी की भक्ति कितना श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये राधा जी की पक्ष लेते हैं मतलब कृष्ण को नहीं मानते हैं, इसका क्या मतलब ये हुआ? बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ है, इसका मतलब है जैसे आप घर में पति पत्नी दो है, आप घर में पति पत्नी दो, एक व्यक्ति आपका पति कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, अभी उसको खुश करने के लिए जैसे आपका पति को मीठा ज्यादा प्यारा है, लेकिन एक व्यक्ति तुम्हारे पति को खुश करने के लिए नमकीन नमकीन ज्यादा ले आया। हाँ खाएंगे तो लेकिन खुश होकर नहीं खाएंगे, लेकिन अगर उसकी पत्नी को पूछ करके लाए, भैया आप बताओ आप सेवा करती ना पति को, तुम्हारे पति को सबसे प्यारा क्या चीज लगता है, ये चीज कौन जानता है? पत्नी जानती है। क्यों? यही सेवा करती है पति को। अगर पत्नी को पूछ करके अगर उनके लिए लाए ना, वो एकदम खुश होकर खाएंगे। कहते तो उसी तरह राधा जी की अनुगत्य मतलब है, ये राधा रानी को पता है अगर कृष्ण को पूर्ण रूप में खुश करेगो तो कैसे खुश हो सकता है, केवल ये राधा रानी को पता और किसी को पता नहीं। अगर इनकी अनुगत्य में सेवा करोगे ना, कृष्ण पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। हाँ इसलिए इसलिए वृंदावन में जाओ किसका नाम लेते हैं? राधा नाम लेते हैं, मतलब ये नहीं कृष्ण नहीं मानते, बोले नहीं, अगर इनकी अनुगत्य में सेवा करोगे तो कृष्ण को पूर्ण रूप में सैटिस्फाई, कृष्ण को पूर्ण रूप में खुश कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर बताते हैं क्या बात, क्या नाम बोला? हाँ देखो कल हम कथा सुन रहे थे ना, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं ये अन्नकूट में जो एक अन्न का दाना ये अन्नकूट की सेवा में दे देना, कभी किसी जीवन में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगी। आज प्रभु ने बहुत कुछ मिठाई सब भक्तों के लिए, आज इन्होंने मिठाई गायत्री स्वीट्स, उनका नाम बजरंग जी, हाँ इनका नाम से बजरंग सिंह, इन्होंने आप सबके लिए आज मीठा लाए हैं, गिरिराज की सेवा में लगेगा, इसका प्रसाद भी आप सबको मिलेगा। अब इनके नाम पर ताली बजाओ, जब पूरा कथा सुनेगा पूरी फल मिलेगी, ठीक है? हाँ आते हैं, कौन इनकी घर वाली कौन है? माता जी आते हैं। मैया कौन है? कोई है नहीं, सबको भेज देना सब घर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए कहते जब तक श्री राधा रानी की शरण में नहीं आए तब तक कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप में नहीं मिलती है। इसलिए भक्ति करना तो किसकी भक्ति करनी चाहिए अभी बताओ? हाँ राधा रानी के मतलब है इनकी अनुगत्य में ही कृष्ण सेवा पूर्ण रूप में मिलती है। इसलिए यहाँ पर बताए जब तक हम किसी ऐसे संप्रदाय से नहीं जुड़े जिस संप्रदाय में विशेष करके श्री राधा रानी को उपासना करते हैं, बोले तब तक क्या होगा, तब तक हमें कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप में नहीं मिलती है। इसलिए हमें शुद्ध वैष्णव धारा में, शुद्ध राधा जी की भक्ति धारा में हमें जुड़नी चाहिए। इसलिए कोई एक संत थे, उसने एक सुंदर एक पद्य लिखा, वो पद्य में था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया, कृष्ण रंग में रंग गया।
उत्पाद बड़ा सुंदर था। वृंदावन में बड़े बड़े रसिक संतों को पास में वो पद गया, वो सुन सुनकर बड़े खुश हो रहे थे, बोले वाह कितना सुंदर पद है। लेकिन श्री महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के पास में वो पद गया, उसमें लिखा हुआ था कृष्ण भक्ति रसन में सराबर हो गया। तब उन्होंने एक श्लोक लिख करके उनको पास में भेज दिया। वो श्लोक में था बोले अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तत् अटबिं असभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रस श्याव गाव। हाँ देखो ये श्लोक में बताए बोले तुम बोल रहे हो कृष्ण भक्ति रस में सराबर हो गए, इतने आसानी नहीं कृष्ण भक्ति में डूबना। अगर कृष्ण भक्ति पाना तुमको पहले तीन चीज को पाना पड़ेगा, तब जा करके कृष्ण कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण जैसे टेढ़े है ना, कृष्ण टेढ़े है ना, तीन जगह से टेढ़े। इसलिए भी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी के लिए है, इतने आसानी नहीं कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण मिल जाएंगे। तीन चीज को पहले अपना फिर कृष्ण मिलेंगे। बोले वो तीन चीज क्या है, बोले अनाराध्य राधा बदाम भोज रहे। जब तक किसी राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय तुम नहीं ग्रहण करोगे। बोले दूसरी चीज क्या है, बोले राधा रानी के चरण का अंकित द्वारा श्री वृंदावन धाम का जब आश्रय नहीं लो। और तीसरा चीज क्या है, ऐसे जो राधा रानी की भक्ति में जो संत डूबे हुए हैं, जो राधा जी की भक्ति में जो संत डूबे हुए हैं, जब तक तुम उनकी शरण में नहीं जाओगे, भैया जितने कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण नहीं मिलने वाले, कृष्ण टेढ़े टांग वाले हैं। इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, मैया तेरी टेढ़ी, गोकुल तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी यशोदा की मैया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी न भगवान के सब टेढ़े हैं, सब उनकी टेढ़ी 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 है। इसलिए उनको पाने के लिए केवल एक उपाय, श्री राधा जी की शरण में चले जाओ। बोले जय जय श्री राधे। भजन गाय नहीं भालो थे राधा रानी राधे तेरी कह रहा है गुरु वृंदावन बिहारी राधे की जय जय श्री राधे। की राधे राधे रट सही सब बाधा कोटि जनम की आत्मा श्री राधा नाम से जा। सभी लोग राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि ब्रज की धूल मिट जाए, सभी प्रेम से ऐसा लगे कि आप वृंदावन बैठे हैं, राधा रानी का चरण रख चिंतन करें। राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए राधे तेरे जगत की शाम तेरे
बहुत बड़े बड़े कवि हुए, उनका नाम है बिंदु जी महाराज, इस पद को लिखा है। तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि राधे इस जीवन में बस एक ही तमन्ना है, वो तमन्ना क्या है कि तुम सामने हो और मेरा प्राण निकल जाए। तो इसी प्रकार रसना जी कहते हैं कि दरबार हजारों दिखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं पर ऐसा कोई गुलजार नहीं। फिर रसना जी कहते हैं कि दुनिया वालों से हम क्या मांगे, दुनिया वालों से हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद भिखारी है, अरे मांगो इस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। फिर रास्ता जी कहते हैं आधी पंक्ति क्या कहते हैं कि हसरत है तुमसे मनमोहन, हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले, जिस वक्त मेरा ये दम निकले, तेरा एक नजारा, तेरा एक नजारा काफी है बस, और मुझे दरकार नहीं, दरबार हजारों दिखे है पर ऐसा कोई दरबार नहीं, कि तेरा एक नजारा काफी है मुझे और कुछ जरूरत नहीं। और वही बिंदु जी महाराज भी कह रहे थे राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो I'm
अब कौन सी भाषा में जाएंगे? एक बार सभी आप लोग भगवान के सामने निवेदन करना भक्ति का अंग है। सभी खड़े हो जाए एक बार और प्रेम से इस भजन का आनंद लेंगे। मीठे रहते थे भरोड़ी ना भरा के लागे I'm not afraid.
आगे क्या बोलना है? राधे राधे। आवाज से नहीं आ रही। अरे काम तो एकादशी भी आ गया है। एकादशी में तो सोच सोच के दो बार हो गए होंगे, इसलिए जोर दे होने के शरीर ताली बजा कर हाथ उठाकर सभी लोग क्या बोल रहे हैं? और ये कथा से कुछ ना कुछ लेकर के जानी चाहिए, ऐसे नहीं कथा से जब निकले अपना पल्लू झाड़ करके चले गए, बोले कथा वहीं रहेगी हम अपना घर जा रहे हैं, नहीं। सात दिन के बाद में ये परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति क्यों हुआ? कारण है उन्होंने जो जो कथा सुनी है उसको अपना जीवन में उतारा, तभी तो उन्होंने संसार से उनको उधार हुई। इसलिए हमें कथा से कुछ शिक्षा लेकर के जानी चाहिए। देखो आप कथा से क्या लेकर के जाओगे? आज एक चीज लेकर के जाओ, बोले क्या लेकर के जाओगे? बोले घर में हम जो कुछ खाना खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगा कर खाएंगे, कम से कम इतना यहाँ से लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाओगे बताओ? घर में जो खाना खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। देखो ठाकुर जी को भोग लगा करके खाने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी का नाम सुने हो? कल हम सुदामा जी का कथा सुनेंगे। जब भगवान को पास में गए केवल उन्होंने दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे माँ लक्ष्मी हाथ पकड़ ली, बोले प्रभु और नहीं, आपने दो मुट्ठी चिड़वा खा लिया मतलब सुदामा जी का घर में त्रिभुवन का संपत्ति पहुंच गया। अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी हूं मेरे को उनको घर में दासी बनना पड़ेगा, इसलिए प्रभु और मत खाया करो। सुदामा जब वापस आए क्या देखा? जहां पर उनको छोटी सी झोपड़ी थी ना, तुलसी की पौधा थी, देखा वहां सोने की महल खड़ी हुई। वो पूछ रहे हैं भैया ये राजमहल किसका है? बोले किसने कहा? सुदामा जी की। बोला हाँ और कोई सुदामा होगा शायद मेरे नाम पे और कोई सुदामा? वो पहचान नहीं पा रहे थे। बोले क्या मैं रास्ता भूल गया हूँ? बोले नहीं तो घर तो यही था। इतने में उनकी पत्नी छत के ऊपर में खड़ी हुई थी, वो नीचे उतर करके
अपना सहेलियों को साथ में सुदामा जी को आरती उतारने के लिए आए। सुदामा बोली, ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रहे हैं? वो हटते जा रहे हैं, लेकिन उनको हाँ वो सुदामा की सुशीला वो आगे आ रही है। इतने में उनकी पत्नी ने बोली, आप क्या मेरे को भूल गए? बोल तू है कौन? बोले आपका मैं वही सुशीला हूं ना। बोले ये क्या है, ये सब क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुट्ठी चिड़िया लेकर गए थे ना। बोले हाँ। बोले भगवान ने दो मुट्ठी खाए और त्रिभुवन का राज्य दे दिया और मैं इतने सुंदरी में बन गई हूँ। हैं, इतने सुंदरी बन गई, क्यों बन गए? भगवान को उन्होंने दो मुट्ठी चिड़िया दिया है ना। भगवान को अगर खाना खिलाओगे, भोग लगाओगे, घर में खूब माल आएगा, घर में पैसा लक्ष्मी की कृपा होगी। इसलिए बताओ क्या करनी चाहिए, बताओ कम से कम कितना चीज गांठ बांध करके ले चल जाओ। जो कुछ खाना खाएंगे पहले ठाकुर जी को कृष्ण को भोग लगाएंगे, इसलिए उल्टा पुल्टा देवा देवी को कृष्ण को ही लगानी चाहिए और इधर उधर देवा देवी को नहीं। क्योंकि कल बताया दुनिया का मालिक कृष्ण है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर में। जब कृष्ण खुश हो जाए, एक देवता नहीं 33 करोड़ देवता अपनी आप सारे देवता खुश हो जाते। क्यों? भगवान के अंदर में सारा दुनिया कृष्ण के अंदर में, ठीक है ना। इसलिए पहले कृष्ण को भोग लगाओ तुलसी दल से, अगर कहीं किसको देना फिर दूसरे देवा देवी को भगवान की प्रसाद दो, लेकिन पहले किसको भोग लगाओ? कृष्ण को भोग लगाओ, ठीक है। देखो देने का तो इतना पुण्य, नहीं देने का कितना पाप। देखो आप लोग कृष्ण लीला टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा गुरु गृह में गए थे, एक दिन जंगल में जा रहे थे, उनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया। बोले सुदामा कृष्ण को देख करके खाइयो। आप टीवी में देखे होंगे ना, सुदामा क्या कर रहा था? छुपा छुपा के खा रहा था। भगवान सब जानते हैं, बोले मेरे हिस्सा का तू खा रहे ना, इसका फल भुगतना पड़ेगा। इतने गरीबी बने घर में खाने का नहीं, बड़े दुख कष्ट उठाए। बोले क्यों? कारण है उन्होंने भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाया। मतलब भोग नहीं लगाओगे तो दरिद्र भोगना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ खरीदी करते पैसा से, पैसा लक्ष्मी, पैसा हमारी नहीं नारायण की। जब वो नारायण की सेवा में लगे तब वो लक्ष्मी कृपा करती है। अगर नारायण की सेवा में नहीं लगाओगे ना फिर तो लक्ष्मी नहीं, फिर दरिद्र घर में ले जाती। क्या करोगे? भगवान को भोग लगाओगे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता, घर में शांति सुख घर में बनी रहती है। कृष्ण कह रहे हैं जो भोग नहीं लगाते हैं, कहते भुंजन्ते तु अघम पापा। बोले जो भोग नहीं लगाते हैं वो पाप भोजन करते हैं, वो केवल पाप भोजन करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते? अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते हैं? इसलिए प्याज लहसुन हमें छोड़नी चाहिए। बोले प्याज लहसुन क्यों छोड़े? तो इसकी दो कथा पुराण में आई, पहले मैंने बताया था, आज भी बता देता हूं क्यों प्याज लहसुन नहीं खाते। हम कल सुन रहे थे, जब देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन की, समुद्र से अमृत निकली, भगवान मोहिनी अवतार लिए, बोले दो लाइन करके बैठे में बंटवारा कर देती। पहले देवताओं को दे रही थी, देते समय चंद्र सूर्य को बीच में एक सौर भानु नाम का दैत्य बैठ गया और उसने भी अमृत खा लिया। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य धोखे से अमृत पी लिया। भगवान चक्कर को बुलाया और उनकी गला को काट दिया। जब गला काट दिया, जहां पर मांस गिरा वहीं से प्याज की पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरी वहीं पर लहसुन का पैदा हुआ, जहां पर खून का बूंद गिर पड़ा वहीं पर ये मसूर डाल हुई। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, पहले पहले ऋषि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे। गैया मैया है, गो माता है ना, वो गो माता को मरने नहीं देते थे। अगर जो बूढ़ी हो जाती थी तब यज्ञ करते के वो गैया को बलिदान देते थे और हवन कुंड में डालते थे। लेकिन ऋषि को पास में ऐसे दिव्य मंत्र होता था, जब मंत्र बोलते थे गैया फिर जवानी बन जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गई, बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं,
किसकी मन में ये भावना आ गई मैं इसको खा लूं, बोले सबके सामने खाऊं कैसे, बोले अभी मैं उसको छुपा देता हूँ राख होगा अंदर में, जब सब चली जाएगी ना फिर मैं खा लूंगा। उसने राख में दुबका दिया और सबके सब हवन कुंड में आहुति डाले। ऋषि ने मंत्र पाठ करते ही वो जो गैया थी हाँ बूढ़ी गैया हवन कुंड से एकदम जवानी बनकर के निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को छुपा दिया था वहां पर घाव भरा नहीं। ऋषि ध्यान लगाए ऐसे कैसे हो गया, देखा किसने मांस खाने के लिए उसको छुपा दिया, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये गैया की मांस काट दिए वहां पर प्याज की पौधा होगी पाप जन्म लेगा, जहां पर लहसुन डाल दिए वहां पर जहां पर हड्डी डाल दिए लहसुन की पैदा होगी, जहां पर खून का बूंद गिर पड़ा वहां पर मसूर डालो। उन्होंने अभिशाप दे दिया। आप लोग देखना आपका वंश में किसी हिंदू घर में एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले देखना कोई घर में ये तीन चीज नहीं घुसाया करते, क्योंकि हर हिंदू घर में पहले ठाकुर को भोग लगता था, हर हिंदू घर में बाल गोपाल होता था, भगवान राम नारायण होते थे, सबसे पहले ठाकुर जी को घर में भोग लगाया करते थे हमारे सारे पूर्वजों। वृंदावन धाम में तो 84 क्रोस में ये तीन चीज वहां घुसता नहीं था, अलाव वहां प्रवेश वर्जित था ये वस्तु को, क्यों हर ब्रजवासी पहले ठाकुर को भोग लगाते थे भोजन करते थे इस चीज को, लेकिन धीरे धीरे ये कलयुग का प्रभाव बढ़ने का नाते धीरे धीरे ये चीज घुसना शुरू हो गया, फिर शराब घुसना शुरू हो गया, कहीं कहीं अंडा खाना शुरू कर दिया, फिर मीट खाना शुरू कर दिया, धीरे 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 ये कलयुग की प्रभाव से धीरे धीरे सारे पाप प्रवेश करने शुरू कर दिया। अगर ये प्याज लहसुन डालोगे देखना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नवरात्रि रखते हैं, आप लोग रखो नवरात्रि, देखना 9 दिन तक ये चीज को कोई घर में नहीं घुसाते थे, कोई नहीं खाते थे 9 दिन तक, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा नाराज कर दो? इसलिए जो चीज भगवान को पसंद नहीं भगवान नहीं खाते वो चीज हमें भी नहीं खानी चाहिए पाप से। गैया मांस और राक्षस का मांस सृष्टि हुआ, इसलिए कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। हम जैसे वस्तु खाएंगे ये तामस की वस्तु है, इसको खाने से शरीर में तम बुद्धि आती है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ठीक है ना। इसलिए देखना कच्चा प्याज काटो आंखों से आंसू आ जाएगी, अगर यहाँ कटेगा ना पूरा वहां तो पता चलेगा कि प्याज कट रही है, उसको छोंक डाल दो घर में बदबू बदबू आ जाती है। लेकिन क्या हो गया, हम कहते हैं भैया प्याज के बगैर स्वाद नहीं आता है, प्याज के बगैर स्वाद ऐसे नहीं, प्याज डालने पर क्या होता है, दाल का भी एक स्वाद है, आलू का भी एक, सब हर सब्जी के एक एक स्वाद होता है। अब प्याज डाल दो सारे स्वाद को खत्म कर दिया उसने, और उसमें प्याज की बदबू आ गई, और वो बदबू को खा खा करके ना हमने स्वभाव को बिगाड़ दिया, कहते स्वाद नहीं आता, बोले नहीं आप अभी जैसे तुम्हारे घर में प्याज लहसुन यहाँ पर नहीं बनता है ठाकुर को बहुत, अभी कोई स्वाद नहीं आ रहा है क्या? अब देखना तुम्हारे घर में रोज खाना बनता है प्याज से, एक दिन कोई अच्छा त्योहार आ गया कोई तिथि आ गई उसी दिन ठाकुर को भोग लगकर खाना खाते हो, देखना हर दिन से उस दिन अलग स्वाद आएगा, बोले क्यों आज ठाकुर जी को भोग लगा, ठाकुर जी की भोग लगा है, जब भगवान ग्रहण करते हैं उसमें स्वाद बढ़ जाती है, उसमें स्वाद बढ़ जाती है उस चीज में स्वाद। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब में कोई स्वाद है बताओ, बताओ शराब में कोई स्वाद है, लेकिन जो पीता है ना उसको स्वाद आता है, बोले क्यों वो पी पी करके आदत बिगड़ गया, उसी तरह प्याज खा खा करके अपने अपना आदतों को बिगाड़ दिया है, कभी ये प्याज में स्वाद स्वाद नहीं बदबू है। आप कुछ दिन प्याज मत खाओ, आप देखना प्याज कटका तो खड़े भी नहीं हो सकते वहां पर, उतने तुम्हें बदबू मारेगी, हम तो खड़े होते हमारे शरीर में चक्कर आने लग जाते, उसमें चक्कर आने लग जाती है उसको बदबू आते ही। इसलिए आप लोग कोशिश करना ये चीज को घर से संपूर्ण निकाल देने के लिए, घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, और अच्छे तरह से पवित्र रूप में भगवान के लिए खाना बनाओ बगैर प्याज लहसुन के, और देखो घर में कितने तरह गरम मसाला भी निकल गया, गरम मसाला निकला कि नहीं, अदरक डालो हींग थोड़ा डालो टमाटर डालो उसमें जीरा की छोंक दो बढ़िया रूप में, और उसमें बढ़िया बढ़िया मसाला आ गया डालो, भगवान को भोग लगाओ प्रसाद हो गया, बच्चों को खिलाओ पति को खिलाओ खुद खाना खाओ भगवान प्रसाद है, ठीक है ना। क्या करोगे भोग लगाना, क्या करोगे कम से कम इतना चीज कथा से
लेकर के जाओ हैं, लेकर के जाओ जो कुछ खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब पैसा आएगा, घर में खूब शांति सुख बनी रहेगी। क्यों? सबके सब प्रसाद खाते हो लेकिन प्याज लहसुन से खाओगे ना, धीरे धीरे तुम्हारे जो स्वभाव तम गुण होते जाएगा, फिर क्रोध काम लोभ मोह ये सब चीज आने लगी जाएगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी हमारे बंसीवादन प्रभु जी आप कुछ कथा सुनाएंगे। देखो हम चाहते हैं, यहाँ पर कितना साल से कथा हो रही है, कितना 2 साल, हाँ हाँ 2 साल, और मैं और कहीं भी कथा करता था, यहाँ पर पिछले साल भी कथा हुई, इस साल हम चाहते हैं जैसे 7 दिन तक आप लोग ने कथा सुने हो, फिर आपका भावना थोड़ी बदली है, हैं नहीं हम हरिनाम करेंगे, ठाकुर को भोग लगा कर खाएंगे, बच्चों को अंदर में अच्छे संस्कार डालेंगे, बच्चे भी भक्ति करें, बच्चे भी भजन करें, है ना। लेकिन जब हम लोग चले जाते हैं ना, वो जो नशा चढ़ा है वो धीरे धीरे वो नशा उतरना है, और जब फिर मैं 6 महीना 1 साल के बाद में आओ ना, सब भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं बीच बीच में हैं आप लोग भी कम से कम महीना में एक बार एकत्रित हो, जैसे गमला में एक पौधा लगा, गमला में पौधा लगा, अगर उस पर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएगी। कहते भक्ति एक लता है, जब तक उसमें पानी देंगे ना उसमें पनपनाते हुए लता बढ़ेगी, हैं। अगर उसमें पानी नहीं देंगे, पानी मतलब संतों का संग है, अगर पानी देते रहेंगे ना भावना बढ़ती रहेगी, भजन में हैं भजन में तुम्हारी शक्ति आएगी, फिर दिन प्रतिदिन तुम्हारी भावना बढ़ते बढ़ते एक दिन ठाकुर का चरण में पहुंच जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कम से कम महीना में एक बार सबके सब एकत्रित हो, महीना में एक बार आप आओगे कि नहीं, महीना में एक बार आओगे कि नहीं, आओगे क्या क्या आओगे कि नहीं, महीना में एक बार हम ऐसे कोशिश करेंगे महीना में एक बार कोई आएगा, हाँ जी बाबा आएंगे हमारे जो, ये महीना में नहीं 2-1 महीना में आते रहेंगे यहाँ पर, और बीच बीच में और जो संत लोग हैं बीच बीच में ये लोग आते रहेंगे, बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी कीर्तन, जैसे थोड़ी सी कीर्तन हो गया, थोड़ी सी हरी चर्चा हो जाएगी, भगवान की कथा हो जाएगी, फिर आपके अंदर में ना भावना बढ़ती रहेगी, भावना बनी रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु जी इसी विषय पर, प्रभु जी बहुत जगह पर प्रभु जी प्रचार करते हैं, प्रभु जी इनके पहले टीवी में कथा आती थी, हैं यानी कि कथा रोज उड़ीसा भाषा में, हम जगन्नाथपुरी के हैं, इनकी रोज रोज टीवी में कथा आया करती थी, अभी भी बीच बीच में कथा आती है, फिर जा करके वो कोशिश करेंगे, उड़ीसा में बहुत सारी जगह पर प्रभु जी कथा करते हैं उड़ीसा में, इसलिए ये इनकी भावना है। ऐसे सब भक्तों को जुड़े, जैसे ये जिंदगी भर के लिए भक्ति में ही जुड़े रहे, हैं भक्ति में जुड़े रहे। अब इसी विषय पर भी कुछ उन्होंने कथा आपको सुनाएंगे, कैसे सबको एक कट्ठे जोड़ करके कैसे ये भक्ति की भावना हम लोग को ले जाए आगे। श्री प्रभु जी हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हमारे जगन्नाथ जी को देखें, ठाकुर जी जगन्नाथ जी को देखते हैं ना, कभी देखा फोटो में ठाकुर जी हाथ कैसे रखा है, उठा के रखा ना, और हमारे चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखा कभी,
उन्होंने कैसा हाथ उठाया, तो आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? उनका काम है कि जो ऊपर हाथ उठाएगा ऊपर जाने के लिए इच्छा करता है। ऊपर मतलब मरना ये बात नहीं है, ऊपर मतलब भगवान। कोई व्यक्ति जब दुखी हो जाते हैं, हे प्रभु बोल के कहाँ देखता है, ऊपर को देखता है ना, क्योंकि ठाकुर जी ऊपर रहते हैं। तो जब अगर देखना है तो हाथ उठाना है तो ऊपर उठाओ और जोर से उठाना, क्योंकि नहीं तो मछली देखा है, जो मछली पकड़ने वाला जो बंसी डालता है ऊपर में जो मछली रहते हैं ये लोग तो पूरा अंदर ही चला जाते हैं, सरफरी फरफराए अंदर चला जाते हैं। और जो पूरा अंदर रहते हैं रोहित नहीं व गर्वितम, ये मछली बड़े बड़े मछली होते हैं, बंसी में नहीं आते हैं। और जो बीच में रहने वाले हैं ये लोग ही आ जाते हैं। तो जो लोग तो गंभीरतापूर्वक बैठे, अरे हाथ को क्या उठाना भाई, बैठा तो बैठो, सत्संग में आए हाथ उठाओ राधे राधे बोलो, तो चुपचाप बैठेंगे। और लोग छोड़ो भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा। और जो लोग तो पूरा समर्पण मुद्रा में हाथ उठा रहे उन लोग तो भगवान उद्धार कर देंगे, माया की पल्ले में वही लोग आ जाएंगे जो उनको सोचेंगे उठाएंगे कि नहीं। तो इसलिए भाई सब लोग पूरा हाथ उठाओ, भगवान शरणापन्न हो रहे, भगवान अपना करुणा शक्ति की, और कहते पूरा हाथ उठाए मुझे बुलाओ तो मैं आपको उद्धार कर लूंगा। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें संबोधन पद है, ओम नहीं है, नमः नहीं है, स्वाहा नहीं है, बाकी जितने मंत्र आप देखिए सब में सब होगा जरूर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पवित्र महामंत्र, मंत्रों में श्रेष्ठ है, महान है, इसलिए उसमें कोई नमः चकार स्वाहा ओम कुछ नहीं, केवल 16 नाम विशिष्ट भगवान की केवल नाम ही नाम है। और उसमें संबोधन पद है, संबोधन जानते हैं ना, एड्रेसिंग, संबोधन करते बुलाते, जैसा ए गोविंद गोपाल मदन मोहन बुलाते ना किसको, तो हम किसको संबोधन करते हैं, संबोधन किसको करते हैं, संबोधन क्या किसको कहा जाते हैं। जो व्यक्ति अभी दिल्ली से है यहां से संबोधन करके बुलाएगा उनको ईमेल भेजना पड़ेगा या लेटर भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप में मैसेज भेजना पड़ेगा कि आप आ जाओ। जो कोई पास में है हमारे उनको संबोधन होता है। तो इसी मंत्र से पता लगता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे पास में है ठाकुर जी, हम बुला दे इसलिए। लेकिन अभी अगर संबोधन करके बुला रहे अगर वो नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, मतलब वो हमारे पर नाराज है या हमारे प्रीति ठीक से हम प्रीति पर बुला नहीं रहे, जैसा माँ को बेटा बुला रहे मम्मी मम्मी बुला रहे वो नहीं आ रहे, तो बेटा क्या सोचेगा कि मम्मी मेरे पर नाराज है या कुछ है, मैं कुछ अपराध किया क्या किया। तो बेटा को क्या करना चाहिए, जोर जोर से पुकारना चाहिए, रो रो करके पुकारना चाहिए। इसलिए हमारे गौरवंद गोस्वामी महाराज कहते है आई हैव ओपन्ड ए क्राइंग सेंटर दोज हु आर इंटरेस्ट टू क्राई दे शुड कम हियर, हमने एक रोने का सेंटर खुला है, रोने का आंसू भगवान ने कम नहीं दिया, लेकिन विडंबना वही है कि हम लोग संसार के लिए धन के लिए बेटा के लिए बेटी के लिए जबरदस्त आंसू बहाया, लेकिन कभी गोपन में बैठ करके गोविंद के लिए एक बार आंसू तो बहाया नहीं। तो इसलिए बुलाना मतलब हाथ उठा करके रो रो करके हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बुलाना, संबोधन करना है, हे कृष्णा हे राम हे राधे हे कृष्णा हे ब्रजदेवी के ललिते, पुकारना है संबोधन करना है, मतलब उनको विरह में तड़पना है, तब वो देख करके हमको कृपा करेंगे कि अच्छा बेटा हमारे लिए रो रहे हैं। लेकिन हमारे रोते हम लोग रोते हैं तो बेटा क्यों चला गया दूर में, बेटी क्यों नहीं इधर है, सब कुछ संसार के लिए पूरा रो रहे, लेकिन भगवान के लिए तो क्या। इसलिए महाराज कह रहे कि कैसा रोना है उसको सिखाने के लिए यह धर्म व्यवस्था बना जाएगा। और महीना में 2 घंटे आप आएंगे तो आएंगे, हे भगवान महाराज जी आप तो बड़े चतुर है, पहला दिन तो बोल दिए कि ताली बजाओ, फिर बोले कि जीवा में कुछ बोलो, तीसरा दिन बोले कि चावल छोड़ दो एकादशी करके,
और बाबा आज सातवां दिन जा रहे तो बोले घर छोड़ दो भाई, संसार बनाने वाला घर कहाँ छोड़ के, ठीक है घर में रहो कोई चिंता नहीं, लेकिन 2 घंटा के लिए तो दुकान बंद करना जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए बाबा, बिजनेस तो ठप हो जाएगा, उल्टा बिजनेस अच्छा चलेगा, इतना चिंता क्यों है, लेकिन 2 घंटे के लिए थोड़ा भगवान को स्मरण करना है, कुछ टेंशन नहीं है, हम आप सब लोग बैठ करके थोड़ा कीर्तन कर लेना और कथा कर लेना, और यहाँ पर कि बेकार भूले ना, बिजनेस की बात होगी ना घर संसार की बात होगी, हो तो गोविंद की बात, कीर्तन हुआ कथा हुआ बस, चलो फिर अपना घर में अभी बिजनेस को संभालो, चलो हम तो उसके संबंध बाद में बात करेंगे, अभी देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का नृसिंह भगवान प्रकट नहीं हुए थे, हमको बड़ा दुख लगा, भगवान समय नहीं होगा तो नृसिंह भगवान इसी रह जाएंगे, प्रहलाद महाराज जी की कथा मैं आधा बोला था, थोड़ा थोड़ा बोल के समाप्त कर देंगे, फिर नामवट के बारे में बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की। अच्छी अभी तो हाथ उठाए सर, बड़ा जबरदस्त, ठीक है भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। प्रहलाद महाराज जी जब बोले कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु, तो हिरण्यकश्यप बोले सर्वे उपाय हंतव्य, दूत लोगों को बताया कि सारी उपाय से उनको हत्या करो, जैसे तैसे हो किसी प्रकार से लो, मुझसे यहां से हटाओ और मार के आ जाओ। राजा की बेटा भाई मार देंगे तो फिर बाद में पूछेंगे कौन मारा, सब मुश्किल हो जाएगा। दूतलोग बोले कि राजन ये तो आपकी बेटा है, आप मारने के लिए खुद बोल रहे, बल देखो जंगल में चाहे यूजफुल यानी औषध का पेड़ हो तो भी अगर अपने लिए सुखी है मंगलकारी है तो उनको पालन करना चाहिए, पालन किया जाता है, अगर अपना घर में भी अजोग्य पुत्र है उसको निकाल देना चाहिए, मार देना चाहिए, इसलिए उनको ले लो। अपना शरीर का अंग भी, अपना शरीर का अंग भी कैंसर हो गया उसको काट दिया जाता है, नहीं तो शरीर प्रामंगल हो जाएगा। ये दैत्य कुल में दैत्य रूपी चंदन का वन में कंटक रूपी पेड़ पौधा पैदा हो गया, उसको मार डालो जल्दी, नहीं तो वही चंदन का पेड़ को काटने के लिए लोहे का तो कुठार आता है, लेकिन उसका जो लकड़ी का बेंड बनता है ना वो कांटा का पेड़ में बनता है, वही हमारे दैत्य कुल का विनाश करो, उसको मार डालो ले जाओ। लेकिन लेकर के मारने लगे, सारी व्यवस्था हुआ, दिग्गजों को बुलाया गया, हाथी के द्वारा कुचल दिया गया, आग के अंदर डाला गया, पानी के अंदर डाला गया, कितने अस्त्र के द्वारा मारे गए, बिल्कुल मरा ही नहीं। एक बार तो पत्थर की अंदर घर के अंदर रख दिए, दरवाजा बंद कर दिए, प्रहरी को एंगेज कर दिए, सुनो 21 दिन के बाद अपने आप मर जाएगा। जब आकर के देखा हिरण्यकश्यप दरवाजा खोला तो देखा तो प्रहलाद महाराज अंदर बैठ कर कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 प्रहलाद महाराज को देख करके हिरण्यकश्यप आंख बबला हो गया, पूछा ए प्रहलाद तुम जिंदा कैसे, मरा कैसे नहीं, तुमको खाना पीना कौन दे रहा था। प्रहलाद महाराज का जवाब बड़ा अच्छा था, प्रहलाद महाराज बोले पिताश्री माता का पेट में 10 महीना मैंने था, उसी समय कौन खाना सप्लाई कर रहा था, आप तो नहीं, उसी समय जो दे रहा था वही दे रहा था, भूख जिसने दिया खाना उसने दिया, हाथी के लिए ये सचमुच है। आजकल आदमी उसी समय 1964 में कितना दुर्भिक्ष पड़ रहा था, पहले जमाने में लोगों को खाने के लिए सचमुच ज्यादा नहीं मिल रहा था, ज्यादा मेहनत करते तो कम मिल रहा था, फिर भी आदमी सुखी में थे, इतना नहीं सोचते थे, इतना डिप्रेशन में नहीं आते थे। आपके पिताजी लोगों देखो खेती करते थे, दिन भर खेती करते थे, आजकल तो इतना बिजनेस बढ़ गया, सब लोग बिजनेस करने लगे, कुछ ना कुछ होते गया, लेकिन उसी समय ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करते थे, एक बार बाढ़ आ गया कुछ हुआ तो सारी खत्म, फिर भी लोग इतना डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं आता था। आजकल खाने के लिए पूरा 7 पीढ़ी तक भरा हुआ है, फिर भी लोग डिप्रेशन में,
मेडिसिन कंपनी इतना आजकल बना रहे मेडिसिन 60-40% केवल मेडिसिन बन रहा है आजकल, आपको पता है, केवल डिप्रेशन के लिए। और वो हाथी घोड़े के लिए नहीं बन रहा है, कुत्ता के लिए भी डिप्रेशन का मेडिसिन नहीं बन रहा है, केवल मनुष्य के लिए। बड़ा आश्चर्य की बात है। और वो सबसे चतुर प्राणी है और भरा हुआ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, भगवान सब कुछ उनको दिया है, फिर भी बेवकूफ कहां के हरि नाम क्या करेगा, भगवान को क्या स्मरण करेगा, डिप्रेशन में आएगा। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कब तक दवाई खिलाए। चिंता तो चिता समान है, वैद्य क्या करेगा दवाई दे करके। इसलिए चिंता को अगर दूर करना सज्जन तो भगवत चिंतन को अपना लीजिए। चिंता को दूर करना है तो चिंतन को अपना लीजिए, भगवान की स्मरण को अपना लीजिए। प्रहलाद महाराज जी, अभी हम लोग कहते हमको टाइम नहीं मिल रहा है, हमको टाइम नहीं मिल रहा है। प्रहलाद महाराज से विपत्ति ज्यादा तुम्हारे ऊपर है क्या? हाथी द्वारा कुचाल रहे, मार रहे, सारी साम्राज्य लगे हुए, फिर भी प्रहलाद महाराज कितना सुंदर गान कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गान कर रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन हिरण्यकशिपु का चिंता बहुत बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि हमने तो 60,000 साल तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ, वर प्राप्त होने के बाद में भी मैं टेस्टेड नहीं हुआ, मरूंगा कि नहीं, मुझे कुछ मारा नहीं, मारा नहीं मरता तो अलग चीज है, टेस्टेड नहीं हुआ, ये दो बार हरिनाम किया अमर बन गया कैसे? इसलिए चिंता बढ़ गया। मरता नहीं कि नाम भी छोड़ता नहीं, मर जाता तो अलग हो जाता, नाम छोड़ जाता तो भी मैं निश्चिंत हो जाता। बेचारा मैंने 60,000 साल तपस्या करके भी टेस्टेड नहीं हुआ, वो दो बार हरिनाम करके वास अमर बन गया। भाई इसलिए देखो, भगवान को कोई आप लोग बोले होंगे, देवी को बुलाओ तो दुकान अच्छा चलेगा, उनको बुलाओ तो ये बिजनेस अच्छा चलेगा, कृष्ण को पुकारेंगे तो क्या होगा, प्रहलाद महाराज प्रमाण है। शिव जी को इतना पूजा करने के बाद दशानन 10 माथा चढ़ाया, उसके बाद उन्होंने सोने का लंका मिल गया और उनका भाई विभीषण आ गए। श्रवण सुजस सुनियायम प्रभु भंजन भवे, श्रवण सुजस सुनियायम प्रभु भंजन भवे, शिवजी से जो लंका मिला था रावण को, वही लंका विभीषण केवल भगवान की राम के चरण में शरणापन्न हो गए। भगवान राम बोले लंकपति उठो, पूरा लंका को दे दिए। ऐसे भगवान के शरण जाने के लिए हम सोचते हैं, ये बेवकूफ की बात है। जैसा प्रहलाद महाराज जी को, फिर हिरण्यकश्यप ने बड़ा बिगड़ गया। कितने कितने बात हुआ इसमें, तो 7 दिन अगर कथा हो या 10-15 दिन हो तब जाके अच्छी तरह एक एक वस्तु को धीरे 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 समझ में आ सकता है। तो उन्होंने बताया प्रहलाद महाराज ने, जब उन्होंने पूरा भक्तों को धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जब आ गए, जब व्यक्ति डिप्रेशन में जिस वस्तु को लेकर चलाता है तो उसी वस्तु से हटा दो उनको कुछ दिन, ऐसा नियम होता है। तो गुरु पुत्र संधा मर को बोले, राजन साधु संघ से लोग बदल जाते हैं, शुक्राचार्य अभी नहीं है, पंडित प्रवर है, उनको आने दीजिए, उनको हम गुरुकुल में रख देते हैं, आप निश्चित तो हो जाइए, साधु संघ होने के बाद बदल सकता है। उनको ले गए, लेकिन ले तो गए, शुक्राचार्य जाने में देर हो गया। भाई देखो, जब शराबी है तो जरूर क्या चाहेगा, दूसरे को क्या बनाएगा, साधु बनाएगा, शराब बनाएगा ना, वो बोलेगा बेटा हरिनाम करो, बोलेगा नहीं बोलेगा, उल्टा पाठ पढ़ाएगा, अरे पित्वा पुनः पतति भूतले पुनरुत्थाय वैरी पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पियो पियो नीचे गिरने तक पियो, और नीचे गिरने के बाद उठ करके तब फिर जब पियोगे ना, और पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं होगा, तो ही पाठ पढ़ाएगा ना, शराबी जरूर बनाएगा दूसरे को। लेकिन कोई साधु है तो, अभी महाराज इधर आकर क्या बता रहे हैं, ये माधवी देखो, ये लोग आप लोग क्या शिक्षा दे रहे हैं, हरिनाम तो करो,
एकादशी तो करो, महीना में एक बार तो बैठो आकर के साधु संग तो करो, क्योंकि ये लोग भी वही है, चाहते हैं कि हमारे कुछ दुनिया में जितने लोग है भाई सब स्वार्थी है। कौन रामचरित्र नाम से क्या लिखा है, सुर नर मुनि जन के यह रीति सार्थ लागे करे सब प्रीति। साथ में कहा रास्ता में दोस्ती हो गया, उन्होंने बुलाया होटल में, पैसा उन्होंने पेमेंट कर दिया, बड़ा प्रीति हो गया, दूसरा दिन देखा तो आगे पहुंच गया, भाई राम राम, राम राम क्या हुआ भाई, और अप्रोच कैसे है ना, ठीक है ना, एक एलआईसी कर लो भाई, मैंने एलआईसी एजेंट हूँ भाई, उन्होंने होटल में पेमेंट इसलिए किया था एलआईसी पॉलिश करना है, क्योंकि लोग स्वार्थी है, लेकिन दुनिया में वही लोग निस्वार्थी है जो भगवान की कथा सुना, जो भगवान के, हाँ निस्वार्थी नहीं है, आप लोग के हिसाब से निस्वार्थी है, हम तो भाई पक्का स्वार्थी है, हम बिना स्वार्थ से हिलने वाला नहीं है, जो स्वार्थ पहचान है धन्य से ही हुई। स्वार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, अगर आप एक दो भक्ति में लग गए ना, आजकल बोलते हैं ना कि धर्म पत्नी, पति अगर 100 माला करे तो 8 माला का फल पत्नी के पास चला जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, परमार्थी का डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होते हैं, 16 माला आप करो तो आपका 16 माला का फल मिलेगा, उनको ही मिलेगा, 0 - 0 = 0 बनेगा, पूर्ण है पूरा, ये पूर्ण वस्तु है ना, अपूर्ण वस्तु नहीं है, अपूर्ण वस्तु का कैलकुलेशन ऐसा होता है, पूर्ण वस्तु का कैलकुलेशन ऐसा है। तो अगर कोई दो व्यक्ति भी कहने के बाद में अगर हरिनाम कर लिया, अपना सुधार लिया, भगवान के ओर चलने लगा, समझ लो नित्यानंद प्रभु कमीशन को पूरा पूरा हमारे पास भेजेंगे, ये स्वार्थ है। तो प्रहलाद महाराज का वही स्वभाव है, असुर बालकों को बैठाए, कौमारित आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभं मानुषं जन्मं। ए असुर बालकों सुनो, बचपन से हरिनाम करना शुरू करो, सब कुछ समझा दिए, कुछ दिन बाद तो देखा संधा उम्र का जब आ गए, ये असुर बालक लोग सब लोग मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, सब लोग हरिनाम करने लगे, तिलक लगा दिए, कंठी माला पहन लिए, शिखा छोड़ दिए, संधा उम्र को देख करके बोले बाबा हमारे द्वारा काम नहीं बनेगा, उसको पकड़ो चलो जल्दी। प्रहलाद को लेकर जो हिरण्यकश्यप के पास लिए, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या हुआ, सब खत्म हो गया, हम लोग फेल हो गए, यही प्रहलाद ही जीत गया, क्या हुआ। तो प्रहलाद संधा उम्र को बोले, उन्होंने क्या पागल बनाया पता नहीं, सारी बच्चा भी प्रहलाद बन गए, गुरुकुल के जितने राक्षस बच्चे थे आपका तो एक बेटा के लिए चिंता था, अभी सारी प्रहलाद बन गए, करेंगे क्या। हिरण्यकश्यप तो तमतमा गया और नीचे आ गया, पूछा प्रहलाद बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जो भगवान है ये कहाँ रहते है। तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर रूप से कहते हैं, सब में वही राम है, सब में वही श्याम, सब में एक आत्मा अलग अलग नाम, सब में एक आत्मा अलग अलग नाम, सब जगह भगवान हमारे, तुम किसका बल पर बलियान हो गया। प्रहलाद महाराज बोले कि हे पिताश्री, केवल मैं बलवान नहीं हूँ, जिनका बल पर आप भी बलवान हो, जिनका बल पर पेड़ भी उग रहे हैं, जिनका बल पर पृथ्वी घूम रहा है, जिनके बल पर सारी जिनके बल पर चल रहा है, मैं भी उसी उनके बल पर, आप भी उनके बल पर बलवान हो। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाला, बोले तुम्हारे भगवान इसी खंभे में भी है। उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर भी हो सकते, वो तो भी चेतन है, उनके अंदर भी हो सकते, उनमें भी है, हाँ है। भगवान साक्षात रूप में दर्शन दिए प्रहलाद महाराज जी को, जब उन्होंने तोड़ डाला उनको तलवार में, मुष्टिकाघात किया, कराल द्रष्ट्रम करवाल चंचलम चुरांत जीवं ब्रुकुटे मुखल्लडम
स्तब्धोऽर्धकर्णं गिरिकन्दराद्भुतं ज्ञातासनासं हनुभेदभीषणम् उद्यत बंद्यदति न झट झटित झटा झाट नाद्यं स्फटानं अनन्य दष्ट दष्ट रड रड नरडो डंबरो डंबुराढ्यं झं 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 झंग झंग झमित झम झम झंक झंकार घोरं पायद काल काल किलित किलिकिला चक्रहस्तो नृसिंह ब्रह्मांडं दारुदंडं रडति रड रडो ब्रह्मदंडं प्रदंडं डिम्फे 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 हसिकड हसा झम्पम झम्प झम्पा तुल्यं तुल्यं ततुल्यं दश नख नखकं शंख शंखाख्यकाख्यं शंखाख्यं वाद्यनाद रह रह रुरुह पातु मां नरसिंह बोल नरसिंह भगवान की विकटाल शब्द हुआ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। शीर जिनका आकाश दिशा पर बढ़ रहा था, जिनका ध्वजटि से ग्रीवा दशकी केसर की जटा से बादल सब खिन्न हो गए, भगवान की हंटाड़ से देवता लोक का विमान चलमल होने लगा और भगवान की नासिका के निश्वास से स्तब्ध हो गया समुद्र, उनका लहरी बढ़ने लगा, पर्वत सब इधर उधर होने लगे। इतना भयानक परिवेश तैयार हो गया, हिरण्यकशिपु देखने लगा कहां से आ रही है सब शब्द। देखा तो उसी स्तंभ के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। बिल्ली जैसा चूहा को उठा के ले जाते हैं, गरुड़ जैसा सर्प को उठा के ले जाते हैं, भगवान हिरण्यकशिपु पकड़ करके ले गए और सिंहासन के ऊपर 60 कितने साल तक युद्ध होने लगा और भगवान को फिर ऊपर डाल करके हिरण्यकशिपु को फाड़ दिए, क्योंकि उन्होंने बोला था दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, भगवान शाम को मार दिए और नीचे नहीं ऊपर नहीं जंघे के ऊपर 12 महीना के अंदर नहीं मल महीना में पुरुषोत्तम महीने में मारे। और उन्होंने बोला था जड़ नहीं कि चेतन नहीं, भगवान बोले देखो ये जड़ है कि चेतन है, बढ़ता है चेतन है लेकिन काटो तो कष्ट नहीं होता है, जड़ नहीं है चेतन नहीं। नख के द्वारा विदीर्ण कर दिए, लेकिन भगवान की इसी प्रकार भयानक स्वरूप को देख करके कोई उनको फूल की माला चढ़ाने के लिए नहीं जा रहे थे, भगवान बोले अगर कोई भी मुझे वरण नहीं करेगा तो मैं खुद वरण कर लेता हूँ। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंदर में जो अंत नाड़ी सब था उनको माला के रूप में धारण किए, क्योंकि सुन रहे थे अगर उनके अंदर प्रहलाद जैसा भक्त है तो और कोई एक दो छिपा नहीं गया था अंदर। पर प्रहलाद नृसिंह भगवान की पूरा सिंहासन को तैयार कर दिए, सिंहासन के ऊपर जाकर फेंक दिए और सिंहासन के ऊपर जाकर भगवान बैठ गए। चक्रवाद कहते देखो सारे मुनि ऋषि जत्न पूर्वक कितना वस्तु देने पर आसन देने पर आगच्छन्तु महाभाग आसन ग्रहण कीजिए बोलने पर भी जो भगवान आसन ग्रहण नहीं करते उनके अपना भक्त जय विजय जो भक्त के रूप में पैदा हुए थे इसलिए उनका आसन को बिना बुलाए भी ग्रहण कर लिए। और ग्रहण करने के बाद अभी प्रहलाद महाराज जी पूछ रहे हैं तो बहुत बहुत कथा है। फिर भगवान प्रहलाद महाराज को बोले प्रहलाद कुछ बर मांगो, क्योंकि उसी समय भगवान की इतना सुंदर स्वरूप देख करके सब लोग घबरा गए कोई नहीं गए। ब्रह्मा जी जब जा रहे थे ब्रह्मा जी को बोले आप जाइए भगवान को संतुष्ट कीजिए। ब्रह्मा जी बाबा मेरे लिए सब कुछ हो गया, बूढ़ा बाबा मैं हूँ, जाऊंगा तो मुझे भी फाड़ देंगे, मुझे मत भेजो। शंकर जी को बोले आप जाइए। शंकर जी बोले देखो मैं भी प्रलय का मुक्ति हूँ, अगर मैं गया दो चार बात बोलूंगा नहीं मानेंगे ठंडा नहीं होगा, मैं भी कुछ बोल जाऊंगा तो पूरा प्रलय बन जाएगा, मुझे मत भेजो। लक्ष्मी जी को बोले माता देवी आप जाइए। लक्ष्मी हाँ हमारे पति देखता हूँ कोई असुविधा नहीं संत हो जाएंगे। जब उन्होंने एक पैर आगे गए भगवान करके एक शब्द करके जब आगे आ गए लक्ष्मी देवी को यहाँ निश्वास एक ली थी दूसरा निश्वास वैकुंठ में। बोले बाबा रे बाबा ये हमारे वही नहीं, क्योंकि इसलिए बताए एक बार तो अनंत देव अनंत शयन में भगवान की पैर पद संभाल कर रहे थे, भगवान बोले देवी थोड़ा धीरे दबाओ ना कष्ट होता है। लक्ष्मी देवी कोमल पद्म फूल के ऊपर बैठने वाली कितना कोमल होंगी और उन्होंने पैर संभाल कर रहे जरा कष्ट होता।
तलखी देवी फिर अपने हाथ को और धीरे दबाए, फिर भगवान बोले देवी थोड़ा कष्ट होता है धीरे दबाओ ना। भगवान पूरा तो लक्ष्मी देवी हाथ ऊपर लाए भावना से दबाए, फिर भी भगवान बोले देवी जरा कष्ट होता है धीरे दबाओ ना। बोले प्रभु मैंने सुना आप बड़े बड़े राक्षस को बद्ध करते जा करके, मेरा तो समझ में नहीं आता है आपकी इतना कोमल शरीर। भगवान बोले हाँ कभी कभी भयानक बनता हूँ, समय सुजोग मिले तो दिखाई दूंगा। तो आज भगवान लक्ष्मी देवी का दर्शन कराए, लक्ष्मी देवी तो पूरा ही पूरा चले। अभी भगवान लेकिन नारद जी ने बताया प्रहलाद तुम जाओ। जब प्रहलाद महाराज जी गए आग में पानी डालने से जितना शांत हो जाते, नरसिंह भगवान इतना शांत हो गए, गोद में उठा करके ले गए और सिंहासन बैठा करके हाथ जोड़ करके प्रहलाद को बता रहे कि देखो प्रहलाद तुम मुझे क्षमा करो। भगवान प्रहलाद बोले प्रभु आपकी ये शरीर नमन करने का नहीं है, झुकने का नहीं है, इतना भयानक भयंकर शरीर मेरे जैसा अधम पापी के पास आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं। भगवान की महानता देखिए, भक्त वात्सल्य को देखिए। नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद क्रीदं बहुः वचवयः सुकुमारमेतत् क्वेतारमत्त कृतदारुणजातनस्ते आलोचितं विषयमेतत् भूतपूर्वं क्षन्तव्य अंगजदि मे समये विलम्ब। वर्णसिंह भगवान की ध्यान के सुनिए, हो गया खत्म, टाइम भी हो गया। प्रहलाद महाराज कहते फिर भगवान नरसिंह भगवान कहते देखो प्रहलाद तुम्हारे कोई दम बपू, तुम्हारे शरीर कितना कोमल है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे शरीर तुम्हारे वयस कितना छोटा है, फिर भी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इतने इसी प्रकार शरीर में इतना कष्ट दिया, इतना जातना दिया, तुमने सब कुछ सहन कर लिया, मुझे स्मरण करने में देर नहीं किया, लेकिन मेरा आने में देर हो गया प्रहलाद, मुझे तू क्षमा कर दो। ऐसा कोई जीवन में ठाकुर जी मिलेंगे क्या जो भक्त के पास में बोले मुझे क्षमा कर दो? ऐसे ठाकुर जी होते हुए भी अगर कोई अनाथ कहता है तो दुख दूसरे को बाद में लगता है, भगवान को पहले लगता है। हमारे जैसा प्रभु होते हुए भी देखो बेचा अपने को अनाथ मान रहा है, भगवान सबके नाथ है तो यही वो नाथ है ना मुहर विपद गणा, हे प्रभु आप ही हमारे नाथ हो। प्रहलाद महाराज को बोले अब कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारा प्रसन्न हो गया। भद्रम 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 ते, हे कल्याण तुम्हारे, हे भद्र मंगलमय प्रहलाद तुम्हारे मंगल। प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो हम ते असुरोत्तम, हे असुरोत्तम मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज बोले हाँ प्रभु वर तो एक ही दीजिए कि एक मुझे प्रहलाद बता रहे कि मुझे आप प्रलोभन मत दिखाइए, ठीक है यदि आप देना चाहते एक तो वर दीजिए। क्या? यदि दस्यसि मे कामान वरस्त्वं वरदर्शव कामानं हृदय संग्रहो भवतस्तु वृणे वरं। हे प्रभु आप एक ही वर दीजिए, आप वर देने में समर्थ है, मेरे अंदर जो मांगने की इच्छा अगर हो, अभी तो नहीं है, कभी भी मांगने की इच्छा आपसे बिजनेस मैन बनना में नहीं चाहते, आपसे कुछ मांगने की अगर इच्छा हो वही इच्छा को ही पहले काट दीजिए, वही वर को दीजिए। भगवान बोले बेटा इतना क्यों मांग रहे हो, मैं देने के लिए चाहता हूँ, सबको देता हूँ, तुमको भी दूंगा दूंगा, कुछ तो बर मांगो। तब फिर प्रहलाद महाराज जी बोले कि हमारे पिताजी अपना आपका मंदिर से आपका विग्रह हटा करके अपना विग्रह बैठाया, अपने को भगवान बताया, आपके चरण में बड़ा अपराध किया, आप उनको उद्धार कर दीजिए। भगवान बोले बेटा प्रहलाद त्रिसप्त भी पिता पुतः पितृवि सहते नघं जतस्याधोस्य कुले जातो भवान कुल पावन। आपकी जैसा भक्त वैष्णव जिस कुल में प्रकट होंगे इसी कुल की
संसार में इसी बेटा को जन्म देने वाला पिताजी चाहे कितना नालायक हो उनका उद्धार होगा ही होगा। केवल प्रहलाद तुम्हारा केवल नहीं, त्रिशतवी 21 पीढ़ी तुम्हारे जैसा भक्त का उद्धार हो जाएगा। अगर कनिष्ठ अधिकारी हो 7 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे पिताजी माताजी। अगर मध्यम अधिकारी हो तो पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे। अगर उत्तम पीढ़ी हो तो उत्तम भक्त हो तो 21 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे। 21 पीढ़ी मतलब अगर एक जीवात्मा भक्त बन गया उनका पुराने पिछले जन्म में अगर कुत्ता कुत्ती उनका पिताजी माताजी थे वही कुत्ता कुत्ती जहां भी उद्धार हो जाएंगे। उनका पिछले जन्म में अगर गधा गधी थे पिताजी माताजी तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे उसी जीवात्मा के लिए कोई भी पिताजी माताजी का थोड़ा सा ममता प्रीति है था उन लोगों का पूरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आपका अगर उद्धार होना है आपका बेटा का भी उद्धार बेटा को भक्त बनाना चाहिए। बनाने के लिए चलेंगे बनाएंगे सब बेटा को भक्त तो इंजीनियर कौन बनाएगा। एक बार तो पिताजी माताजी बड़े लड़ने लगे इतना लड़ने लगे कि बेटा माँ बोल रहा था बेटा को डॉक्टर बनाना है। पिताजी बोला कि सब लोग इंजीनियर है। माँ ने बताया नहीं हमारे पूर्व पीढ़ी सब हमारे घर में परिवार लोग डॉक्टर इंजीनियर है ये डॉक्टर है सब डॉक्टर बनाना है। दोनों इतना लड़ने लगे तो कोर्ट में बात चला गया। जज साहब ने बताया कि बेटा को बुलाओ मैं उनका साइकोलॉजी स्टडी करके बोलूंगा कि बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। तो पति ने स्त्री के मुंह को देखने लगा स्त्री ने पति को मुंह को देखने लगा बुलाओ बेटा को बोले सर बेटा नहीं हुआ। बेटा जब नहीं हुआ तब भी दोनों का लड़ाई है कि डॉक्टर बनाने के लिए इंजीनियर बनाने के लिए। बेटा जब जन्म ले लगा तो कोई छोड़ेगा साधु बनने के लिए। ठीक है साधु मत बनाओ भक्त तो बनाओ। सुबह उठते ही हरिनाम कराओ भगवान की भक्ति सिखाओ तब तो दुनिया में मंगल होगा। ठीक है तो इसलिए भाई हम सब लोग के लिए और भगवान बोले प्रहलाद मैं किसी भी जन्म में जैसा बलि के बलि को दबन दबा जो बरादेव के रूप में आया था हिरण्यकश्यप के साथ पूजा नहीं पाऊंगा लेकिन तुम्हारे मैं तुमको इतना प्रेम करता हूँ तुम्हारे पिताजी के बारे में तुमने बताया तुम्हारे पिताजी के साथ में जहाँ पूजा पाऊंगा तुम्हारे पिताजी के साथ और तुम्हारे साथ। इसलिए जहां देखना भगवान वामन देव बलि के साथ पूजा नहीं पाते बरादेव हिरण्यकश्यप के साथ पूजा नहीं पाते हैं परशुराम जी है क्षत्रिय के साथ पूजा नहीं पाते हैं है ऐसा कहाँ राम रावण के साथ रह के पूजा पाते हैं कृष्ण जी कंस के साथ पूजा पाते हैं नहीं। लेकिन नरसिंह भगवान को देखना हिरण्यकश्यप के साथ सब लोग उनकी पूजा करते हैं। बोल प्रहलाद महाराज की हिरण्य नरसिंह भगवान की। और भगवान ने बताया प्रहलाद तुम्हारे चरित को जो श्रवण करेगा तुम्हारे वो मेरे संबंध में जो चरित तो उनका तो हमारे लोक जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आप सब लोग धन्य है। हम सब लोग इसी प्रकार कथा सुनने के लिए यहाँ पर एक हाट बनाएंगे। ये मार्केट कॉम्प्लेक्स तो बना हुआ है फुकराम भैया जी आपका ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा इधर लेकिन हम मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे ऊपर में बीच बीच में नाम की हाट लगाएंगे। हाट जानते गांव में होता था हाट जानते मार्केट बैठता था उसी समय इतना बड़ा बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं होता था। एक कॉम्प्लेक्स में घुस जाओ तो पूरा ए से जेड तक सारी सामान मिलेगा ऐसा नहीं होता था। क्या होता था मार्केट लगता था क्योंकि बगीचा में बैगुन है वो बैगुन लाता था मिट्टी का सामान कपड़ा सब आ जाते थे वहां से उठा के लेते थे। लेकिन हम लोग का एक जीवन बढ़ गया जहां देखो नरक जाने के लिए सामग्री पूरा बेंगलोर मार्केट में देखा पूरा मिलता है। बैकुंठ जाने के लिए सामग्री कहां नहीं मिलता मिलता है कहीं दुकान खुला है मार्केट कहां लगा हुआ है जहां देखो तो बाबर बाब कपड़ा देखो सब्जी देखो कार देखो सॉफ्टवेयर कंपनियां देखो सारी मार्केट खड़ा है। कहां तुलसी की माला बेचा जा रहा है हरिनाम कहां बेचा जा रहा है कोई बोलता है आ जाओ। लेकिन इसलिए वो कम है पूरा बेंगलोर में घूम जाओ
सब जगह तो पूरा नरक की द्वार खुला हुआ है, हम वैकुंठ की द्वार के लिए मार्केट खुलेंगे। आओगे तो मार्केट से खरीद लेने के लिए? कम फुकराम भैया आप आएंगे तो? आप बैठे रहेंगे तो? वाह वाह चलो चलो, तो मार्केट का फिर कांडर ही उनको ही बनाएंगे। तो मार्केट का पूरा पूरा सब कुछ जी, तो ऐसे है तो नाम हट किन का पता है? ये मार्केट कॉम्प्लेक्स तो फुकराम भैया की है, उसी मार्केट कॉम्प्लेक्स और किसका होगा? उसी मार्केट तो राम राव का होगा कि उसी मार्केट कॉम्प्लेक्स और किसका होगा? लेकिन जो नाम का हट जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है वो नाम हट किन का पता है? नित्यानंद प्रभु का। बोलो नित्यानंद प्रभु की। नित्यानंद प्रभु का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक सामान मिलेगा सारी चीज के लिए, सारी दुख। आपको अगर लज्जा निवारण करने के लिए कपड़ा पहनना पड़ता है, कपड़ा दुकान में जाना पड़ेगा। आपको अगर दूसरा कुछ है तो मोबाइल दुकान में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो नित्यानंद प्रभु का नाम हट है, एक मेडिसिन सारी बीमारी के लिए, एक प्रकार मेडिसिन केवल मिलेगा सारी दुख दूर करने के लिए, सारी प्रकार बनाने के लिए। वो क्या है? नाम का हट, हरि नाम ही मिलेगा। हरे कृष्णा हरे के बाद पैसा मत दो तो मिलेगा नहीं सामान भाई। आजकल जहां भी जाओ बिना पैसा से कोई देता है सामान? कितना अच्छा मार्केट कॉम्प्लेक्स हो, हाँ देगा। कोई कोई व्यक्ति तो एक जगह लिखा हुआ था कि फ्री में सामान मिलता है, आप खा के जाओ आपकी नाती पैसा देगा। तो जाके खा लिया, खा के जो उठ के गया उनके पास बिल आया 5000 रुपया का। ऐ बिल क्या दे रहे हो? लिखा है हमारे नाती देगा। बोले ये तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे जो तुमने जो खाया तुम्हारे नाती देगा, तुम्हारे दादा जो खाया था तुम वो तो भरोगे। तो सब जगह पैसा देना पड़ता है, और हरि नाम हट में आने पर भी पैसा तो नहीं लेकिन एक चीज तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा जानते हो? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम हाटे ते बिकाय। श्रद्धा नाम को मूल्य देना पड़ेगा जो किसी हाट में बेचा जाएगा। तो आप लोगों को निवेदन है श्रद्धा लेकर जरूर आएंगे, और जो लोग आना चाहते हर महीना में, चाहे आप कॉल करें ना करें, हमारे यहाँ से कॉल जाएगा और आप लोग के पास, ठीक है? अगला दिन तो सब लोग तैयार हैं, 2 घंटे के लिए आएंगे, आएंगे ना? हाँ हाथ उठाए कौन कौन आएंगे, जय दीजिए तो पता लग जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राज महाराज की। हाँ इसके थोड़ा सा छोटा सा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा भाई। बड़ा बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने में जिम्मेदारी कितने लगा? तो नाम और हट जब बैठेगा क्या जिम्मेदारी है, थोड़ा वो भैया लोग को लेना पड़ेगा। सुकरम भैया जी, रामराव भैया जी, हम निवेदन करते हैं आप लोग थोड़ा अभी कथा के बाद 15 मिनट हमारे साथ बैठेंगे, कि महीना में 2 घंटे यहाँ पर कैसे होगा बैठेंगे, मतलब कौन सबको बुलाएंगे, कौन इधर दरी बिछाएंगे। नाम हटो तो ये तो नाम हटे ऐसा है कि मार्केट में हटो मतलब क्या है, वो आएंगे दूसरा दिन जाओ देखोगे कुछ भी नहीं हो वहां पर, सब खाली हो जाएगा। तो इसलिए हाटो बैठाने के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत जरूरत है इसके लिए हम लोग थोड़ा बैठना चाहते हैं। उसी कथा के बाद ये जो बड़े बड़े भाई लोग जो लोग इंटरेस्टेड है और चाहते हैं, हमारे देखिए कुछ भी स्वार्थ नहीं है हमारे, हम वही चाहते हैं सब लोग जुड़ जाए, थोड़ा हरिनाम करें। हम लोग नौकरी चाकरी सब छोड़ करके गुरु वैष्णव के चरण में आए महाप्रभु के प्रचार करने के लिए हम लोग चाहते हैं। देखो ये लोग हरे कृष्ण प्रभु देखो, ये लोग देखो अशोक भाई, इन लोगों को देखो, इन लोगों को देखो, सब लोग तिलक लगा के संघ के प्रभाव से हरिनाम करते हैं। नौकरी बंद हो गया क्या? वो लोग जो मार्केट में जाते हैं सौदा नहीं पैसा करने से, हरिनाम करने वाले को मार्केट जाने से मिलेगा सामान? ए हरिनाम वाले कहाँ आ गए? चलो चलो, कोई बोलेगा? बोलेगा क्या? बेटा नहीं पड़ेगा, कार गाड़ी नहीं चलेगी हरे कृष्ण चलाने से? हाँ होता है।
सब कुछ बनाने में बनने में क्या असुविधा है? ठीक है, ज्यादा मत बना, थोड़ा थोड़ा दो घंटे के लिए आ जाओ, ठीक है। इसलिए 15 मिनट के लिए आप सब लोग को हमारा निवेदन है कि कथा के बाद जल्दी जल्दी अभी महाराज जी गोवर्धन पूजा कर लेंगे, फिर हम लोग कथा सुनेंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे, थोड़ा कैसे 2 घंटा इधर नाम की हट होगा। हम लोग उड़ीसा में बनाया, गांव गांव में, आप लोग सिटी में तो क्यों कर नहीं पाएंगे, उड़ीसा में हम लोग बनाए, गांव गांव में लोग मृदंग करताड़ा रख करके आते हैं, और आप लोग तो ऐसे भजन ही आता ही है, बस एक साथ बैठो और थोड़ा कीर्तन करो, कोई भी कथा बोलने के लिए आ गए तो थोड़ा कथा बोले, बस घर में चलो, असुविधा क्या है, इतना ही है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हे भगवान क्या होगा, 2 घंटा कैसे जाएंगे, क्या इतना चिंता मत करो, फिर डिप्रेशन में आ जाओगे, खुला में रहो, चलो 2 घंटे के लिए बोलो वृंदावन विहारी लाल की, हरि नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोलो, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। कथा के बाद में प्रभु जी, आप जो माताएं नहीं है, केवल जो हमारे भाई होते हैं, जो पुरुष लोग हैं, जो विशेष आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, इसलिए आप लोग थोड़ी समय हमारे पास, इसमें कौन किस रूप में कैसे नाम हाट कैसे अच्छे तरह से बढ़िया तरह से चले, ठीक है ना भाई लोग, थोड़ा समय के लिए बैठना। देखो, नरसिंह भगवान की कथा में एक विशेष शिक्षा है, प्रभु जी ने बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनाई, आप लोग ने सुना, जिस समय भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को वर देना चाहते थे, तो प्रहलाद ने बोले प्रभु एक वर मेरे को दो, बोले क्या है, बोले मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, इसलिए मेरे पिताजी को नरक में मत भेजा करो, मेरे पिताजी की उद्धार कर दो। देखो इस जगत में देखना, जिस पिता जिंदगी भर के लिए प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया जिंदगी भर, लेकिन जब भगवान कहते हैं वर मांगो, प्रहलाद ने क्या वर मांगे, मेरे पिताजी को उद्धार करो, पिताजी को। लेकिन इसी जगत में देखना, एक व्यक्ति का 3-4 बच्चे समझो, अगर पिताजी किसी बच्चे को थोड़ी सी कम संपत्ति और किसी बच्चे को थोड़ा ज्यादा संपत्ति दे दिया, देखना जिस बच्चे को पिताजी ने कम संपत्ति देकर गया ना, जिंदगी भर उसको गाली निकालते रहेगा, बोले डोकरा मेरे को कम दिया, और ये डोकरा उस बच्चे को ज्यादा संपत्ति, देखना जिंदगी भर उसको गाली निकालते रहेगा। लेकिन ये बेटा अगर भक्त होता है, देखो उसका हृदय कितने उदार है, हाँ, जो जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश की, बोले मेरे पिताजी को उधार, जब उन्होंने क्या वर मांगे, मेरे पिताजी को उधार करो, भगवान ने क्या बताया, बोले पिताजी के नाम क्यों बोल रहे हो, वंश में अगर एक बेटा प्रभु की भजन में लग जाए, भगवान कहते हैं बोले कुलम पवित्रम जननी पितार्था वसुंधरा बसती सधन्या नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरे साम जैसाम कुले वैष्णव नाम धेयम। कहते प्रहलाद तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए, बोले नृत्यंति स्वर्गे जो पहले चले गए देखते रहते हैं हमारे वंश में कब एक बनने वाले वैष्णव जन्म ग्रहण करेगा, वो नाचना शुरू कर देते हैं स्वर्ग में, फिर जो पिता माता उसको जन्म देते हैं, कहते बेटा उधार होने से पहले पिता माता का उधार हो जाता है, पहले पिता माता का उधार बाद में बेटा का उधार होगा, बोले क्यों, बोले पिता माता ने वो बच्चे को लालन पालन की, बच्चे को लालन पालन की, बच्चे को अगर बेटा भजन करेगा तो पिता माता का उद्धार तो होएगा ही, लेकिन अगर बेटा अगर करेगा उसका फल भी पिता माता को लेना पड़ेगा। पुराण में एक कथा आती है, बोले एक समय कोई एक जोगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति ने बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरिया सेवा कर रही थी, लेकिन ये जोगी ने देखा वो स्वर्ग में बैठी बैठ करके रो रहा है, उसने पूछा भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, यहाँ रो रहे क्यों, देखो क्या कहता है,
बोले मैंने बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए तो स्वर्ग में आया, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखा, बच्चों को मैंने प्रभु की भजन में नहीं लगाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे, उसी पैसा से मांस खा रहे, उसी पैसा से जुआ खेल रहे हैं, और उसका जो बुरा कर्म मेरे को ये स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब है अगर हमने बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे का अगर प्रभु को भक्ति में लगाए तो पुण्य मिलेगा, अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए तुमने पैसा छोड़कर गया, अगर वो पैसा को गलत रास्ता पर लगाएंगे कहते तुम स्वर्ग में जाने पर भी तुमको यहाँ भी खैर नहीं, वहां भी इसका कुकर्म भोगना पड़ेगा। इतना गलती रास्ता है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप लोग नाम हार्ट में जुड़ोगे ना क्या होगा, तुम्हारे बच्चे भी धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे। इस बार तो हमारी मन में बहुत बड़ी इच्छा थी, जैसे समय पर हम तो जैसे कथा हुई हम सोच रहे थे प्रभु जी शाम को आपका जो बच्चे हैं जो पढ़ते थे उन बच्चों को एक सेमिनार देने के लिए मेरी इच्छा थी। प्रभु जी कहीं उड़ीसा में कथा करते हैं ना, एक टाइम में तो भागवत कथा करते हैं और एक टाइम सेमिनार देते हैं। वो जो सेमिनार है उसका नाम सर्च फॉर हैप्पीनेस, जीवन में सुख कैसे मिले, फिर डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है क्या नहीं। आप लोग पुराने लोग हैं, आपके अंदर में संस्कार, लेकिन अभी बच्चों को देखो संपूर्ण उल्टा, दिन भर स्मार्टफोन पकड़ करके दिन भर उसमें ही बिजी है। जितने कहते इंटरनेट में शादी उसमें इंटरनेट डाइवोर्स, उसमें ही शादी कर ले उसमें डाइवोर्स कर देते हैं, हैं? और वो इतने दुनिया को इसे स्मार्टफोन इंटरनेट टीवी कहते ये विदेशी 200 साल तक भारत के ऊपर राजत्व किया, हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर गया, लेकिन ये टीवी स्मार्टफोन 10-15 साल में और देखना कुछ मिला देगी हमारी संस्कृति को। हम चाह रहे थे इसलिए जब अगली बार प्रभु यहाँ पर आएंगे कुछ दिन बाद में, फिर जब आएंगे आप लोगों के लिए तो क्लास देंगे, कोशिश करेंगे आपकी जो बच्चों को हैं, अभी जो बच्चे ये जो यंग बच्चे इनके लिए भी कुछ अलग क्लास देने के लिए, ठीक है ना। राजी हो तुम लोग? राजी हो? देखो हम जितने पैसा कमाते हैं बच्चों के लिए, अगर बच्चे अगर संभाल गए ना समझना सब कुछ संभाल गया। अगर तुमने करोड़ों संपत्ति यहाँ पर रख कर गए, अगर तुम्हारी बेटा ही बिगड़ गया बताओ वो पैसा रखने का कोई महत्व है तुम्हारे? कोई महत्व है? बेकार डूब गया तुम्हारी पैसा कमाना, बेकार तुम्हारी। लेकिन अगर बच्चे अगर बदल गए तो समझना तुम्हारी कमानी धमानी सब सही होगी। इसलिए हम दूसरे बार चाहेंगे तुम्हारी बच्चों के लिए अलग क्लास देने के लिए, बच्चे जैसे भक्ति मार्ग में चले, भगवान की भक्ति करे और पिता माता को चरण छुए, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए। छूते हैं तुम्हारे बच्चे लोग? किसकी बच्चे चरण छूते हैं सवेरे उठ करके? हाँ, एक दो चारियों का कर रहे, अच्छी बात। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी सवेरे उठ करके, आपकी अगर कोई पिता माता हो उनके भी चरण छुए, ठीक है ना। पत्नी हो तो पति का चरण छुए, अगर माता की चरण छुए, ठीक है ना। लेकिन तभी ये संस्कार पड़ेगा जब भक्तों की संग करोगे, नहीं तो ये संस्कार सब बिगड़ जाएंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो हम गिरिराज पूजा करने से पहले हम चाहते हैं एक माला जप करें, 5 मिनट लग गया एक माला जप करने के लिए, हैं? क्योंकि जो भागवत का जो सार है ना ये माला जप करना ही भागवत का सार। वो स्टोरी मैं अभी वो स्टोरी सुनाऊंगा, कल आपसे मैं ये स्टोरी सुनूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा ये स्टोरी मेरे को कौन बोल पाता है, ध्यान देकर के स्टोरी को सुना, और ये स्टोरी सुनाने के बाद आपको मैं पूछ भी सकता हूँ ये स्टोरी किसको याद, अगर जो याद करके बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। अभी अच्छे तरह ध्यान देकर के स्टोरी को सुनो। पिछली बार भी मैंने स्टोरी सुनाया था, एकदम अच्छे तरह से सुनो। मैंने ये स्टोरी से है ना आप सोच नहीं सकते
कितने लोगों को मैंने परिवर्तन किया। किसी को भी ये स्टोरी सुना होगा ना, उसलिए असली जो जिंदगी उसको पता चल जाता है। ये जिंदगी क्या है, ये चार जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश रखता था। राजा की दूसरी नंबर की रानी थी, वो चार रानियों में सबसे देखने में सुंदर थी। राजा जब नगर घूमने जाता था, इसको बढ़िया बढ़िया साड़ी पहना करके, गहना पहना करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखा करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी, वो बड़ी बात को बना बना करके मीठी मीठी बात बोलती थी। इसलिए राजा जब महल में आता था, वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठता था, मीठी मीठी बोली सुन सुन कर बड़ा खुश होता था और मन की बात और किसी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी तो बड़ी प्यारी अच्छी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए, उसको साथ में कोई नाता नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, उसको पूरा जीवन में कचड़े जैसे फेंक रखी थी। अभी राजा का अंतिम समय आया मरने का, सोचा मेरे चार चार रानियां, इनसे प्रश्न कर कौन कहां तक मेरी साथ देगी, इनके लिए तो मैं इतना किया। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बताओ बड़ी रानी कौन थी? बोला बड़ी रानी कौन थी? कौन इतने जल्दी पर बात याद किया? बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, इतना तो याद रखो, यही तो भूल जाती थी। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा होगी, तू जो मांगती थी वही दिया करता था, भले ही मेरे को जो कुछ क्यों करना पड़े, साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली वही निकली। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाली नहीं। बोले क्यों? मैं तेरे लिए जो इतना की, बोले तेरा कर्तव्य था मेरी प्रति, बोले तेरी, बोले मेरे कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़े धोखा मिला, बड़ा दुखी हो गया। बोले जीवन में जिसको साथ ज्यादा प्रेम करता तो वही सबसे ज्यादा धोखे दी। अब इसने दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी? कौन थी? ये रानी मेरी कितने प्यारी कितने सुंदरी है। बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले मैं चलूंगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करने वाली हूँ। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदरी, वो तो है तू तो बड़ी प्यारी। बोले इसलिए तो मैं बोलती हूँ, जहां जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो उससे शादी कर लूंगी। अभी राजा को और ज्यादा धोखे मिले। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी नंबर कौन थी? हाँ, जो मीठी मीठी बोली बोलती थी बना बना करके बाहर, और सुन करके बड़ा खुश होता था। बोले तू क्या करोगी, चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तो चार कदम चल सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ चलने वाले नहीं। बोले भैया तू भी किसी काम के लिए, दरवाजा तक चलना कोई चलना कहते? बोले तो मैं तो वही तक चल सकती हूँ। बोले ठीक है। अभी चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? चौथे नंबर कौन थी? राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करता, ये बेकार किसी काम की नहीं, कचड़े जैसे फेंक रखी थी। लेकिन जब उससे पूछा साथ में चलोगी, लेकिन वही राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात तुमने कभी मेरे तरफ में एक बार झांक कर नहीं, तेल है कि नहीं कभी पूछा नहीं, लेकिन दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी रहूंगी, दुखी में दुखी रहूंगी, अगर समय आएगा ना प्राण दे करके मैं तेरी सेवा करूं। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने जिंदगी दे दिया कोई जाने के लिए तैयारी नहीं, और जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी। देखो ये जो कथा है ना, हमारा जीवन की सच्चाई कथा है। अभी ये चीज को समझ लो और इसका जो सार है अपना जीवन में उतारने के लिए, तभी समझना ये कथा सुनना हमारे
सार्थकता, सार्थकता समझेंगे अगर इसकी सार को अगर ग्रहण कर लिया, अगर इतना समझ गए ना, समझना सात दिन कथा सुनना हमारी सार्थकता हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम प्रेम कर रहे हैं, वो जिस समय जो चीज के महान की नहीं करे, भले ही हमें झूठ बेईमानी कुछ करना नहीं पड़े, हम उसकी अभी हम उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अंतिम समय आएगा जब यदि कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये कौन है, किसको याद, मैंने पिछली बार कथा सुनाया था, किसको याद है, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो जोर से, कहते हम अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपनी आप को। ये शरीर जिस समय वो सारी खराब खरीद करा देंगे, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे सजने के लिए, बोले चलो ब्यूटी पार्लर ले चलेंगे, बोले गोलगप्पे खाओगे चलो खिला करके आएंगे, बोले जिम में जाओगे चलो जिम में ले चलेंगे, हैं, बोले चलो घूमने जाओगे तेरे घुमा करके ले आएंगे, चवनप्राश खाओगे चलो चवनप्राश, शरीर हमें जिस समय जो चीज की मांग करती है हम उसको आया। शरीर से पूछे क्यों शरीर हमारे साथ में चलोगे, कहते ना जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जिस शरीर को हमने इतने इज्जत इतने ब्यूटी पार्लर में लेकर सब जाए इतने बढ़िया सवारा, लेकिन वो शरीर साथ में अंतिम समय में साथ नहीं जाएगी, यही पड़ी रह जाएगी। अभी दूसरी नंबर जो सबसे सुंदरी थी, राजा जिसको सारा दुनिया में दिखाया करते थे, देखो हमारी पत्नी कितने प्यारी, उससे पूछा तू साथ में चलोगी, उसने क्या उत्तर दिया, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगे, मैं दूसरा नाम भैया सबसे बड़ा रुपया। ये सबसे सुंदरी है क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं है, आपको पता होगा पैसा कमाने में के लिए कितना कष्ट होता है, हैं? कष्ट होता है। ये सबसे सुंदरी जब उससे पूछे साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूं तू कब मरोगी, पहला नजर रहता है पिताजी की कितने दुकान कितने मकान कितने एटीएम कार्ड में कहां पर कितने पैसा रखा हुआ, पहले उसका नजर वही रहता है, और शरीर छूटते ही वो दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, वो कहती भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, और जिसको पास में जाएगा वो ही भोग करेगा, इसलिए कहती भैया मैं दूसरे से मैं शादी कर लूंगी, तेरे साथ में मैं नहीं जाऊं। मैं अपना गांव की कथा सुनाता हूं, हमारा गांव में जो सबसे ज्यादा पैसा वाला था, मैं अपना गांव में देखा, जब पिताजी की शरीर छूट गया ना, पिताजी किसी बच्चे को थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कर गए, जिसको कम मिला था वो डंडा लेकर के बोले पहले ये संपत्ति बंटवारा हो जाए फिर पिताजी के शरीर में छूना, नहीं तो डंडे से मार कर खत्म कर दूंगा तुम्हें, पहले ये सारे संपत्ति पिताजी हमें कम उसको दिया, पहले उसको बंटवारा हो जाए फिर ये शरीर, अंतिम समय में उसको क्रिया इतने बुरी तरह से सोच नहीं सकते, सही नहीं किया, भले मेरे को नहीं दिया उसको दिया, वो करेगा वो, उसने कहा वो करेगा, कोई किया नहीं उसको अंतिम संस्कार, इसलिए लेकिन इसको अगर बोले ना थोड़ा माला जब कर, बोले समय कहाँ है बच्चों के लिए थोड़ा पैसा मांग करके जाए, बच्चों के लिए ज्यादा पैसा मत रखा करके जाओ, जीवन में सही संपत्ति को लूटो, प्रभु का नाम जप करो, अक्सर करके जिसका पिता जितने पैसा रख कर गया उसका भी बेटा उतना ही बिगड़ा, उतना ही शराब भी जीवन उतना ही हो, जो इसी जीवन में भी तेरे साथ देगा और अगली जीवन में तो पूरा के पूरा साथ देगा, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, करोड़ों काम को पीछे रख लेना, करोड़ों काम हो, गुरु जी
सारे को पीछे रख देना, ये एक भी पैसा तेरे साथ में जाने वाले नहीं। सारे बच्चे बंटवारा करके जुआ और शराब में बिता देंगे, इसलिए ऐसे धन्यवाद को साथ में मिलेगा। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सबाय, वो कौन सा धन है, भगवान के नाम धन है। ठीक है ना, अभी दूसरी गई, अभी तीसरी आई, जिसकी मिठी बोली बल्कि परिवार वाले जिनको साथ में बैठ करके मन की बात को शेयर करते हैं। सबसे पहले नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, साथ में चलोगी, बोले चलूंगी, लेकिन नहीं नहीं चल सकती हूँ। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया रथ सजाएंगे, अर्थी सजाएंगे, और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक ले जाएंगे, वहीं पर संस्कार के अभी चौथी नंबर आई। चौथी नंबर कौन थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके था, ये बेकार किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय आया जब उसको पूछा जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके कर रखा बेकार, लेकिन मैं ही तेरे साथ चलूंगी, सुख में सुखी दुखी में दुखी, और जीवन दे करके प्राण रक्षा करूं। बोले कौन है, बोले कौन है, ये देखना मरते समय तो यही बोलते बोलते ले जाते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल व्यत्य है, सब बुरी बात झूठा, ये बोलते कि नहीं। लेकिन अगर किसको बोले भैया एक दो माला जब करो, जैसे काम धाम नहीं वही सब काम करते, और हमारा तो बहुत काम है ना, हमारा समय कहाँ है। बोले भैया यही काम में आने वाली है, और भी कोई काम में तुम्हारी आने वाली नहीं, वो सब माला माल हो गए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हो गए। बोले कौन कौन ये माल को लूटे, बोले तुलसी मीरा और नरसी का, देखो दुनिया जिनकी जय जयकार होता है, लेकिन हम क्या चाहते जान, तो अभी का जो लड़का लड़की कहते हम तो कोई नहीं हम बनेंगे। बोले भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइनी थे, अभी उसका कोई नाम लेते हैं, श्रीदेवी थी, वो बात रूप में शराब पीकर मर गई, शराब लेकर इतने शराब पी थी बात रूप में स्नान करते करते उसमें ही डूब करके खत्म हो गई। इसे भैया तब तक तुम्हारी नाम होते रहेगी, देखो हनुमान जी का नाम हो रहे ना, सही हीरो है। तुलसीदास जी का नाम देखो, वीरा जी का साल पहले ही हीरो बने, लेकिन अभी भी हीरो बने, अभी भी, इसलिए हीरो बन तो क्या बन करेगी, हीरो बनो भगवान की। कौन सा पत्नी को आप आदर करोगे, बता बोला जोर से बोला, चार रानियों में सबसे कौन सा, चौथी मतलब है सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान के नाम जप करें, कब 10-20 मिनट इधर ठाकुर लिए बताओ, फिर दो माला करो, जब दिन में काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथ में काम और मुंह में, ज्यादा कोई परिश्रम नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोगों ने जब निमंत्रण दिया, प्रभु हमारे घर में भोजन भगवान 5.5 साल पहले लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण और, बोले प्रभु हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते, बोले जानते हो जब कहते हैं वही असली लखपति है, हां फिर तो भक्त खुश हो गए, बोले प्रभु रोज हम 1,00,000 हरिनाम कौन बनेगा करोड़पति, महाप्रभु कहते भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, हाँ मेरे तरफ में देख लो, तरफ में देखो सबके सब ध्यान देख रहे, देखो इतनी चीज अगर लेकर गई तो समझना मेरा
प्रभु जी कथा सीख करके जाओ। जैसे ये माला है, ये अंगुलों को बाहर निकालना, ठीक है ना, ये गंदा अंगुल सबसे पहले निकलती है, इसलिए ये अंगुलों को बाहर निकालना और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में रखना, माला को रख करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। फिर दो बार बोलो करके फिर दो मोती सरकेगा, ठीक है। देखो लखपति कैसे बन गए, जैसे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये 16 बार हो गया एक बार करने से। इसमें 108 मोती हैं। अगर ये माला इसको बीच में जो ये राधा कृष्ण का स्वरूप ये है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, नहीं ये माला रूप में स्वयं जुगल सरकार है। जैसे यहाँ पर आ जाता है ना, ये इनको पार नहीं घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर ऐसे 16 माला कर दिया ना, हो जाता है 25। तुमने 100,000 नाम नहीं जप किया, तुम्हारे नाम पर बैंक में एक मिलेगा, बोले दिन दिन बढ़ता सबाय आज अगर 100,000 या ना कल 25,000 और 4 दिन में 2,00,000 दुनिया की पैसा मरने का बाद 0, मरने का बाद 0। लेकिन ये धन हीरो है, इसलिए क्या करना, सबके सब माला जप करना, ठीक है। विश्राम होगा, फिर मेरे से एक एक माला ले लेना, ठीक है, जिसकी इच्छा होगी जब करने के लिए। जो गले अगर प्याज लहसुन छोड़ोगे तो फिर गले का माला अब ले सकते हो, हैं? गले में कटी रहेगा तो जबूत नहीं आएगा, फिर तो तुमको जमपुरी जाना पड़ेगा, फिर कल जम महाराज का नहीं जाओगे, तुमको भगवान की भक्त मान के प्रणाम करेंगे, माला दे दे मेरे साथ में बोलो, ठीक है, मेरे साथ साथ में बोलो, आपको फल मिलेगा, कोई चिंता नहीं। पीछे पीछे दे दो, पीछे सबके सब करके माला जप कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब आंख बंद कर दो और मेरे साथ साथ बोलते रहो, जोर जोर बैठेगा जो नहीं बोलेगा, इसलिए सबके सब बोलना, ठीक है। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम।